أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے अल्हम्दुलिल्लाह आज चार रमज़ान मुबारक और रमज़ान मुबारक का पहला जुमा हम नाज़रीन और हाज़रीन बड़े खुशनसीब हैं कि एक तो हमें एक और रमज़ान मुबारक नसीब हुआ बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें रमज़ान मुबारक ज़िंदगी में नसीब हो
और वो ख़ुद को बख्शवा ना सकें। हमें कई रमज़ान मुबारक नसीब हुए इस दुआ के साथ कि हम हर रमज़ान जो गुजारें उसमें कुछ ऐसा काम करें कि ख़ुद को बख्शवा सकें। और आज तो फिर जुमा मुबारक है। जुम्मतुल मुबारक के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन कहा जाता है कि एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसी सात आती है कि उस सात में अगर वो हम में से किसी को नसीब हो, उस सात में आप अल्लाह के हुजूर कुछ भी मांगें अल्लाह आपको अता फरमाता है। तो आज अगर आपके दिल में कोई भी जायज़ ख्वाहिश है आप उसके लिए दुआ करते रहिए। आज दुरूद पाक का जितना ज़्यादा हो सकता है, हमें दुरूद पाक तो पढ़नी है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई भी जायज़ ख्वाहिश है आप उसे मांगते रहिए अल्लाह के हुजूर, और इस उम्मीद के साथ कि आपकी ये दुआ ज़रूर पूरी होगी। आज नाज़रीन कराम हमने सहर नशरियात में बात की थी बेबरकती की। मेरी माँ यहाँ पर बैठी हैं, हम घर में ये बहुत एक आम सी बात हो गई है, बड़ी नॉर्मल सी। मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके लिए आपके लिए यहाँ पर इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसके बारे में हम घर में बात करते रहते हैं। हम कहते हैं बहुत बेबरकती हो गई है, पैसे आ रहे हैं, इतनी जल्दी महीने का खर्च ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और हर महीने ऐसे हो रहा है। एक तो महंगाई ज़ाहिर सी बात है बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ का पैसे जो जितने हम देते थे उससे कई गुना बढ़ गए हैं, और फिर रमज़ान मुबारक में तो अल्लाह उन सब को ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि रमज़ान महीना है लोगों में सुकून बांटने का, लोगों में आसानियां पैदा करने का। ये वो महीना नहीं है जिसमें आप लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा करें और लोग आपके दुकान से, आपकी रेडी से ये सोचते हुए वापस जाएं कि मैं ये चीज़ ख़रीदने के लिए आया था लेकिन मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं। आप यकीन जानिए कि किसी चीज़ की कीमत में 10-20 रुपए का इजाफ़ा हो तो भी समझ आता है, लेकिन किसी चीज़ की कीमत में 200 या 250 रुपए का इजाफ़ा हो गया तो वो मज़दूर क्या करे जिसकी एक दिन की उजरत ही 200-250 है, वो कैसे वो चीज़ अपने बच्चों के लिए लेकर जाएगा। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ही तौफीक अता फरमाए और वो समझ सकें कि ये चीज़ गलत है। लेकिन आज हमने जब बेबरकती की बात की, अलामा कौकब नूरानी उकाडवी साहब तशरीफ़ फरमा थे और उन्होंने कहा कि बेबरकती के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि बेबरकती की वजह क्या है, क्योंकि हम हमेशा मर्ज़ समझ लेते हैं, ये मर्ज़ है उसकी तशखीस कर लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता किस वजह से ये मर्ज़ हुआ। तो उन्होंने जो दो चीज़ें शुरू में बताई, मैं सिर्फ आपसे इस वक्त उसकी बात करूँगी, वो लोग जो सहर ट्रांसमिशन नहीं देख सके किसी वजह से। पहली बात उन्होंने कहा, बेबरकती होती है उसके घर में जो अपने माँ बाप को नाराज़ करता है। अब माँ बाप को नाराज़ करने के मामलात ये हैं कि हमारे माँ बाप बड़े माफ़ करने वाले भी होते हैं, कुछ तो अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर देते हैं, कुछ दरगुजर कर देते हैं, लेकिन नाराज़ आपने उस वक्त ही कर दिया जब उसने महसूस किया कि मेरे साथ ये मेरे बच्चे ने गलत रवैया इख्तियार किया। तो ये माँ बाप को नाराज़ करना आपके घर में बेबरकती करता है। हमें उस वक्त ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लगता बेबरकती के लिए, हमें लगता है पैसे कम पड़ रहे हैं, हमें और काम करना है या और हमें पैसों के लिए तगोदो करनी है, लेकिन आप माँ बाप को नाराज़ कर रहे हैं इससे घर में बेबरकती होती है। और एक और बहुत बड़ी बेबरकती की वजह यह है कि आप किसी भी ऐसी वजह से अपने बहन भाइयों से नाराज़ हों जो कि शरीयत के बरखिलाफ़ किसी वजह से, एक तो कोई ऐसा मामला है शरीयत का तो ज़ाहिर है फिर वो नाराज़गी एक तरफ है, लेकिन किसी और वजह से अपने माँ बाप से नाराज़ हो जाए, ये सारा मामला है बेबरकती का। आज जुमे के इस मुबारक दिन अगर हम ये दो चीज़ें टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, हम अपनी ज़िंदगी में से थोड़ी सी इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी, आपके घरों में बरकत आएगी। पहले एक शख्स कमाता था, बड़े सारे लोग खाते थे, आज अगर घर में 6 लोग हैं, 5 भी कमा रहे हैं तो वो एक शख्स जो नहीं कमा रहा वो भी बर्डन महसूस होता है। तो ये बेबरकती है, ये इसलिए है क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। नाज़रीन कराम, अब आप देख सकेंगे मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का एक खसूसी पैगाम जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है इस एहसास रमज़ान ट्रांसमिशन की जितनी ऑडियंस है उनके लिए, और क्या खूबसूरत उनका ये बयान है, आपको इसकी तरफ लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान का बहुत एहतमाम फरमाते थे, रजब से ही यानी 2 महीने पहले से ही दुआएँ मांगना शुरू फरमा देते थे। ये एक सीज़न है मेरे भाई बहनों बच्चों बशियों, इसमें हम अपनी आखरत को बनाने के लिए बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं।
اللہ تعالیٰ نے اس کے میرے نبی نے اس کے تین دس اس کو تین دس میں تقسیم کیا کہ پہلے دس دن اللہ کی رحمت کے ہیں، دوسرے دس دن اللہ کی مغفرت کے ہیں، اور تیسرے دس دن جہنم سے آزادی کے ہیں، کہ جب روزہ رکھنے والے روزہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، پھر جب وہ روزے میں دس دن گزر کے آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا ہے، پھر جب آگے دس دن آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو سب کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے قرآن کی تلاوت، کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو اور رمضان شریف کو آپس میں اللہ نے کوئی جوڑا ہوا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹے چھوٹے کتابیں آئیں رمضان میں، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی دو رمضان کو، اور داؤد علیہ السلام پر زبور اتری چھ رمضان کو، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری بارہ رمضان کو، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن اترا شب قدر میں، وہ اکیس کی رات تھی، کوئی چوبیس کہتے ہیں لیکن زیادہ سے اکیس کی رات تھی، کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو قرآن اترا، انجیل اتری اور تورات اتری اور زبور اتری۔ تو اس میں اگر ہم اپنے دنیاوی کام تھوڑے سمیٹ لیں، کم کر دیں، اور اپنا وقت تلاوت میں گزاریں، اپنے نوکروں کو بھی تھوڑا سا فری کر دیں کہ وہ بھی کچھ اپنے اللہ کی بندگی عبادت کر لیں، اور رات کی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نفل نماز رکھی ہے، جس کو آج کل یا پچھلے زمانوں سے تراویح کہتے ہیں، میرے نبی کے زمانے میں اس کو قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ روزہ افطار کیا، جسم ایک دم لیتھارجک ہو جاتا ہے، پھر جانا اور اٹھ وہاں پھر سوا ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہو کے پڑھنا، تو کسی چیز کا معاوضہ بڑھ جائے، اجرت بڑھ جائے، تو اس کو مشکل کو بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی نے خوشخبری سنائی کہ تراویح کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے، تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک اللہ تعالیٰ محل بناتا ہے، گھر بناتا ہے، جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بندیوں نے رات کو قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، نفل پڑھے، تراویح پڑھی، اور دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے ان سب کو معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مولانا طارق جمیل صاحب کی کیا ہی بات ہے، ان کی ہر بات اتنا اثر لگتی ہے، اللہ انہیں بہت لمبی عمر دے، اور اللہ کا جو پیغام وہ گھر گھر پہنچاتے ہیں ایسا ہی وہ زندگی بھر کرتے رہیں اور ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ آج الحمدللہ چوتھا روزہ ہے، اور میں آج سحر کی نشریات میں بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم تیاریاں کر رہے تھے رمضان المبارک کی، جو جو چیزیں میں، کیونکہ رمضان میں کوئی شاپنگ نہیں کر سکتی عید کی، اگر کوئی بھی چیز مجھے خریدنی ہے میں پہلے ہی وہ شاپنگ کر لیتی ہوں، پہلے ہی وہ خرید کر چیز اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، تو میرے لیے یہ ایک ڈبل تیاری ہوتی ہے رمضان سے پہلے کی بھی اور پھر اس ٹرانسمیشن کی بھی تیاریاں، اور اب ماشاءاللہ آج ہم چوتھا روزہ افطار کر لیں گے۔ تو یہ ماہ مبارک جسے ہم روکنا چاہتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ مزید دیر ہمیں مل جائے کہ ہم اس میں کچھ اچھا کام کر سکیں، کوئی اچھی چیز آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، تو یہ ماہ مبارک اتنی ہی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ مہمان ہے، مہمان برکت لے کر آتا ہے، اور یہ مہمان تو ڈھیروں بے پناہ اور اتنی برکت لے کر آتا ہے کہ ہم اس کی گنتی کر نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، بریک کے دوران ہمارے ساتھ تین بہت ہی زبردست شخصیات ہیں جو میرے اس گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں۔ عمران شیخ اتاری صاحب ہمارے ساتھ سحر نشریات میں بھی تھے، اور ماشاءاللہ سے اسی طرح فریش اٹھ کر اب افطار نشریات میں بھی آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ٹی وی پر آپ انہیں دیکھتے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسٹیج، ریڈیو، فلم، ہر جگہ آپ نے انہیں دیکھا ہے۔
मेरे ख्याल में जितनी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होगी। मैं पर्सनली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हम छोटे से बड़े हो गए, वो अभी तक वैसे ही हैं, उतने ही गुड लुकिंग, उतने ही फ्रेश, और उनकी बातें, उनकी एक्टिंग, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो सलाहियतें हैं, सब सब उसके मोतरफ हैं। तो जनाब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आप सबकी भरपूर तालियों में, और ये भरपूर ही होनी चाहिए, जावेद शेख साहब। अस्सलामुअलैकुम जावेद शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे ज़बरदस्त बात मैं आपको ये बताऊं कि जावेद शेख साहब माशाल्लाह से कल उम्रे पर रवाना हो रहे हैं। जी ऐसा ही है, माशाल्लाह। तो जावेद शेख साहब, आपने हमारे लिए वहाँ पर बेइंतहा दुआएं करनी है। आप जावेद शेख साहब से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं और बहुत सारी उनसे ऐसी आज बातें पूछेंगे जिसका शायद आप लोगों को इल्म नहीं होगा, तो आप इनकी ये वाली बातें भी सुन सकेंगे। आज हम सहर नशरियात में भी बात कर रहे थे और मैंने बड़ा ज़रूरी समझा, क्योंकि हमने जब ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, हमने एक बात पूरी टीम ने ये सोची थी कि हम वही बात करेंगे जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके, और क्या पता कोई इस बॉक्स के थ्रू जो सबके घरों में है, इससे कोई ऐसी बात सुनकर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ले आए जो हमने यहाँ पर की हो, हम वसीला बन जाएं। कल्याणवी साहब, बेबरकती की हर घर में बात करते हैं। पहले बड़े कम पैसे होते थे लेकिन उसमें लोग सब्र शुक्र से खाना खा लेते थे, अच्छी ज़िंदगी गुजर जाती थी। महंगाई अपनी तरफ बेइंतहा है लेकिन बेबरकती इतनी हो गई है कि जितने भी लोग घर में कमा रहे हों पैसा पूरा नहीं पड़ता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्या इसमें से ये भी एक वजह है कि हम अपने काम में भी जो दयानतदारी है, ना वक्त पर जाएंगे, ना काम उस दिन का मुकम्मल करेंगे और फिर जल्दी भागेंगे दफ्तर से, ये भी बहुत बड़ी वजह है बेबरकती की? जी हाँ, देखिए बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं बेबरकती की, हर एक के अपने अपने ऑब्जर्वेशन होती हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर बेबरकती की एक वजूहात ये भी है कि पहले हम बचपन में देखते थे और सुनते भी थे, आज भी किताबों में लिखा है कि जब घर में खवातीन खाना पकाती थी तो जिक्र अस्कार तिलावत से एक तो दिन का आगाज़ होता था, और उसके साथ फिर पकाते हुए आटा गूंथते हुए कुछ ना कुछ पढ़ते पढ़ाते उसमें फूकती रहती थी, दम करती रहती थी। आज क्या होता है कि वो टैबलेट्स मोबाइल वगैरह वो लगे होते हैं स्क्रीन पे, कुछ ड्रामे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हैंड फ्री लगे हुए काम हो रहा है। अब वो सुबह उठते ही हम बहुत सारी गलत चीज़ों में लग जाते हैं एक मेजोरिटी। डेफिनेटली कोई भी जब बुरी चीज़ घर में आती है ना तो वो अपने साथ बहुत सारी बुराइयाँ बेबरकतियाँ लेकर आती है। अल्लाह रब्बे करीम का जब नाम आता है तो उसमें बरकत भी साथ में आती है। तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि हम जिक्र इलाही से गाफिल हैं, हर चीज़ में जिक्र इलाही किया जाए। कहते थे जो मेहमान घर में आते थे जो बड़े बूढ़े होते थे वो चार कुल पढ़कर फूंक देते थे कि खाने में बरकत हो जाएगी, और वाकई होती थी फिर खाने में। बिल्कुल होती थी और होनी भी चाहिए, खाने को गिनना नहीं चाहिए, काउंट नहीं करना चाहिए। कल भी हम मेजबान मेहमान पे बात कर रहे थे तो मेहमानों की तवाज़ो से बड़ी बरकत होती है, और उसमें मुझे एक शेर जहन में अटका रह गया था, आज मैं पेश कर दूँ वो। शुक्र कर रहमान का मेहमान के एहसान पर वो अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। वाह 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 वाह, तो खाना तो उसका अपना ही है। शुक्र कर रहमान का मेहमान के एहसान पर वो खाना खा रहा अपना है खाना वो खा अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। वाह 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 वाह, हम समझते कि जब हम खिला रहे हैं हमारा खाना कब बढ़ जाएगा। मेहमान को खिलाने से बरकत होती है, इसी तरह चिड़ियों परिंदों को खिलाने से बरकत होती है। कुछ लोगों में देखता हूँ सुबह सुबह वो कुछ आटा चीनी वगैरह लेके जा रहे होते हैं, बिल ढूंढ के उनके चूटियों के सुराखों के आगे खाना डाल रहे होते हैं। मेरी बड़ी मशहूर है, लोगों को पता है कि मेरी आदत है कि बिल्लियों को खाना खिलाने की, माशाल्लाह पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम हो गया बिल्लियों का कि बस वक्त फोन आते हैं कि हमारे एक बिल्ली माजूर है आपके घर पहुंचा दे। मेरी जो सास है माशाल्लाह वो उनके बच्चे तंग करते हैं कि आप हमारा खाना हमसे छीन के बिल्लियों को खिला देती है, हमें तो पूरा खाने दे। तो वो ऐसी, लेकिन देख ये चीजें वो है जो टिप्स हम समझते हैं कि सोशल वर्क आज हमने यूरोप को दे दिया, लेकिन जितना सोशल वर्क रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया ना कि आपको चलते हुए शेडो बनाने, साये दें, लोगों के रास्तों से वो चीज़ें हटाएं जो इस्लाम का हिस्सा बनाया बताया शोभा, इन चीज़ों से लाइफ में रिस्क में बरकत आती है। एक बात तो होगी, दूसरी छोटा सा पॉइंट यहाँ जिक्र कर दूँ कि हमारी असल में ख्वाहिशात भी बढ़ गई हैं, हम नाशुक्रे भी हो गए, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, रोने रोते गुर्बत का। हम
कीमती अब पानी खरीद के पी रहे हैं, पहले तो मटकों के पानी, घड़े के पानी, कुएं के पानी पी रहे होते थे, आज हम मिनरल वाटर से नीचे बात नहीं करते। घरों में लग्जेरियस किचन है, खाने कुकिंग हमारे, एक खाना पकता है तो उसके अंदर 25 से 30 इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। हम शुक्र का पहलू भी देखेंगे, देखिए अल्लाह ने हमारी नेमतों में इजाफा ही बहुत फरमाया है, किचन हमारे इतने खूबसूरत होते हैं। तो मुफ्ती साहब हमें, मेरी वालिदा मुझे बताती हैं, वो कहती हैं कि मुर्गी उस वक्त ज़बह होती थी जब कोई बड़ा कुछ, जैसे किसी की शादी की कोई कोई तारीख फिक्स हुई है कोई ऐसी, तो मुर्गी ज़बह होती थी कि चलो जी आज मुर्गी खाएंगे, बड़ा उसका जश्न होता है, मुर्गी पकड़ी है। तो बच्चा थोड़ा सा रोता है तो माँ कहती है अच्छा बेटा आलू पके हुए तो मैं मुर्गी तुम्हारे लिए ज़बह करके ले आती ताकि तुम चिकन खा लो। पहले यहाँ तक मुर्गी की टांग पर लड़ाई होती थी, मुर्गी की टांग कि मुर्गी की रान चाहिए, अब तो भरमार है, शादियों में खाने इतने होते हैं माशाल्लाह, इतने मेन्यू होते हैं, तो हम वो पहलू भी देखें। देखें सिर्फ नाकदरी करते हैं कि बहुत सारे पहलू हैं और हमारी जिंदगियों में से ही इसके पहलू हैं। जावेद शेख साहब ये बात दुरुस्त है ना कि हम अपनी जिंदगियों में से ही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेबरकती हो रही है और फिर हम इसी को रोते हैं कि हमारे पास तो पैसे कम नहीं, हम नीचे वाले को नहीं देख रहे। ये रमज़ान भी तो इसी का है ना, रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमें भूखा प्यासा रह के एहसास होता है कि वो शख्स जो पूरा साल बगैर रमज़ान के भूखा प्यासा रहता है उसकी क्या हालत होती होगी। बिल्कुल सही, नहीं देखें हमें तो ये महीना माशाल्लाह एक ऐसा महीना है जहाँ इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ इंसान अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये वो महीना है जहाँ इंसान को दुनिया के सारे काम छोड़ के इसकी तरफ रागब होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पूरा रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में गुजारूँ। ठीक है। मैं अभी स्कॉटलैंड में था, शूटिंग कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि रमज़ान 6 तारीख को शुरू हो रहा है, मुझे 5 तारीख को मैं वहाँ से वापस आ गया। और हमेशा सहर अफ्तार घर पे हो, सुकून से हो। नहीं, उसके अलावा देखो रोज़ा रखना, इबादत करना वो तो एक अपनी जगह पे है ना, वो तो मेरे लिए, मगर जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि वो रमज़ान हमें और भी चीज़ें सिखाता है ना, दूसरों का ख्याल रखना। वो आप यहाँ होंगे तो आप वो होंगे तो करूँगा ना, रोज़ा तो मैं रख लूँगा, दुबई में भी रख लूँगा, लंदन में भी रख लूँगा, मगर ये जो बाकी की चीज़ें हैं जो गरीबों को और जितने गले लगाना है उनके काम आना है वो कौन करेगा। यूसी तो ये सारी चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि रमज़ान मैं पाकिस्तान में गुजारूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल आप फैमिली के साथ उमरे पे जा रहे हैं इंशाल्लाह? अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जावेद शेख साहब इससे पहले कि हम किचन की तरफ जाएं और नाहिद आपा से पूछें क्या बन रहा है, मुझे ज़रा ये बताइए कि आपकी पैदाइश तो रावलपिंडी की है, तो आप फिर वालिद साहब के साथ आए थे जब वो जॉब के लिए आए कराची, फिर आए कैसे आप कराची कैसे आए? तो एक लंबी कहानी है, आप ब्रेक ले लें फिर। ठीक है जी, ब्रेक के बाद फिर लंबी कहानी। ठीक है, लंबी कहानी ये कहानी लेकिन आज सुननी है कि पिंडी से जावेद शेख साहब कराची कैसे आए, और अगर कराची में जावेद शेख साहब नहीं आते तो फिर ये जावेद शेख साहब हमारी स्क्रीन्स को, हमारी जिंदगियों को, और इनके जो किरदार हैं ना नाजरीन, ये बड़े खूबसूरत किरदार हैं, ये ऐसे किरदार हैं, चाहे वो अनकही हो या किसी में भी इनका किरदार हो ड्रामे में, वो ऐसे किरदार हैं जो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गए हैं, जिसने हमारे वालिदैन हो या और भी लोग हों उनकी ज़िंदगी का पार्ट रहे हैं हमेशा, और अब हमारे भी ज़िंदगी में ज़ाहिर है। तो ये बहुत सारी बातें जावेद शेख साहब से आज करनी है, लेकिन इस दौरान मैं किचन की जानिब जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सलाम, जुमा आपको भी बहुत जुमा मुबारक। पर आज हमारे किचन में अफ्तार में क्या है? आज इफ्तार में बहुत से लोग खाना खाते हैं इफ्तार के फौरन बाद, तो मैं आज बना रही हूँ कूजी अला तिम्मन। ये बगदाद, ये बगदाद की एक स्पेशलिटी। आसान नाम वाले खाने क्यों नहीं बनाते? गोश्त चावल कर दें, गोश्त चावल कर दें, ये असल खास डिश है। मेरी अम्मी ने एक दफ़ा, मैं आपके यहाँ रोक रही हूँ माजरत, मेरी अम्मी ने एक दफ़ा लाहौर गई जावेद शेख साहब, तो खानदान में कहा कि मैं आप लोगों को चिकन कढ़ाई बना के खिलाऊंगी, चिकन कढ़ाई या कोरमा बना के खिलाऊंगी, मेरी अम्मी ने लाहौर में अपने खानदान में कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा बना दें भाई, तो अम्मी खड़ी हो गई, अम्मी ने चिकन कढ़ाई बनाई, कोरमा शोरमा बनाया, तो जो हमारे खानदान में कहा सिद्धी तरह कहती आलू गोश्त बना रही है, एड्डा की चिकन कढ़ाई तो कोरमा बना रही है, तो ये सीधा सीधा चावल गोश्त है? ये सीधा सीधा चावल गोश्त नहीं है, मगर ये इसकी खास एक तरीका होता है इसका बनाने का, और ये बगदाद में एक रेस्टोरेंट है, ये स्पेशलिटी है वहाँ की। और ये इसकी देखिए यखनी अलग बनाई है, ये शैंक्स होते हैं, और ये जो शैंक्स होते हैं
ये घुटने से लेके लैम शैंक तो ये पाँव का हिस्सा होता है गोश्त का, इसके बड़े पीसेस लिए जाते हैं। वैसे तो उजी बड़े बकरे को कहते हैं, ठीक है, मगर मैं इसको छोटे के साथ बना रही हूँ, छोटे पीसेस करके छोटा नहीं, ये है स्पेशलिटी छोटे के साथ, ठीक है। इसके तीन स्टेप हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था, इसको क्या कहते हैं, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसको क्या कहते हैं, किसी ऑडियंस में से किसी को याद है क्या कहते हैं? पिछले रमजान में बताया था अपन, इसका नाम है, किसी को मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। जिस इसमें चावल बनते हैं तो इसको कहा जाता है, एल से नाम शुरू होता है, से एल एल इसे कहते हैं लगन, लगन इसमें चावल बनते हैं ताकि वो खराब ना हो, लगन से बनाए खाना। और ये जो है खास चीज, सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी, और ये है लूमी, लूमी ये लेमन है, नींबू लेमन है, जिसको आपने अरबिक डिशेज में ये ज्यादातर डलता है, और ये ड्राई किया जाए, पहले इसको उबालते हैं नमक के साथ, फिर इसको धूप में ड्राई करते हैं, तो ये इसकी मस्ट है, लूमी और सिनेमन। और ये है लाल मिर्च। आप ये दालचीनी इस तरह से मिलती है कराची में? मैं दुबई से ली थी, शायद खुशबू देखें इसकी, इतनी खुशबू, कितनी अच्छी है ये, खूबसूरत। ये क्या है? दालचीनी, दालचीनी फ्रेश। oh. हमारे पास तो आती है ना स्टिक्स कटी हुई, और बड़ी रिफाइंड हमारे यहाँ ये वाली होती तो ये है, फ्रेश। अच्छा अच्छा, इस ये अच्छा। तो बहुत मामूली सी होती है, इसमें इतनी स्मेल नहीं होती। अच्छा। सब आप बनाते हैं खाना घर में? मुझे बहुत शौक है। अच्छा, हाँ, क्या डिश आपकी एक्सपर्टीज? मैं तो ये करता हूँ कि मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ और जहाँ भी काम करता हूँ तो उनको कहता हूँ कि मुझे होटल में कमरा नहीं चाहिए, अच्छा अपार्टमेंट चाहिए, विद किचन ताकि मैं खुद खाना तो बना सकूं। मैं जाते साथ ही सबसे पहले सामान रख के ग्रोसरी खरीदता हूँ, जबरदस्त, एंड अपना खाना खुद बनाता। डूइंग ग्रोसरी इज माय फेवरेट थिंग। यस, आई लव इट, आई लव इट, यू नो। आप जाके हर मुल्क की चीजें देखिए कि वहाँ पे क्या मिल रहा है, किस तरह exactly, मिल रहा है। और अगर वहाँ नजर पड़ जाए कहीं लिखा हो पाकिस्तानी मैंगोज या पाकिस्तानी ऑरेंजेस, तो फिर क्या खुशी मिलती है। yes. जो यहाँ से एक्सपोर्ट होके जा रहे होते हैं, जबरदस्त। तो आप बनाते हैं क्या, सबसे ज्यादा क्या चीज बनाते हैं? नहीं, बहुत, मैं खैर देसी खाने में कम बनाता हूँ। अच्छा, मैं चाइनीज, इटालियन, लाइट, यू नो, वो भी ऑलिव ऑयल में, जबरदस्त, ताकि वो अपना ख्याल भी तो रखना, हेल्थ कॉन्शियस जाहिर है। तभी अगर आपको जावेद शेख साहब जैसा दिखना है तो फिर आपको वैसा ही खाना पड़ेगा जैसा वो खाते हैं। और लेकिन आपा भी बड़ी हेल्दी चीज़ें बताती हैं। तो हमारा एक सेगमेंट होता है, कॉम्पिटिशन है, बड़ा ज़बरदस्त खाना घराना, यहीं से फैमिलीज आएंगी कुछ, हम उसे चूज करेंगे। तो एक फैमिली आज आप उसके साथ होंगे, एक फैमिली के साथ नहीं, नहीं, मेरी मेरा सामान ही नहीं है। मैं वो आप, तो फिर आऊँगा और अपना सामान सारा साथ लेके आऊंगा जो मैं बना सकूं। नहीं नहीं, वो फैमिली खुद बनाएगी, आपने सिर्फ टिप्स देनी है, ठीक है। आप जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें। इसका एक खास मसाला होता है जो अरबिक मसाला होता है, उसे कहते हैं भारत मसाला, भारत। और उसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें, धनिया, दालचीनी, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी, सब पीस के ये मिक्स करके आप एक बॉटल में रख दें और आप इसको हर 12 मसाले होते हैं इसलिए भारत कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अरबिक मसाला, उसका नाम भारत है। okay. अच्छा, ये देखें, इसकी प्याज जब फ्राई हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें जो मैंने यखनी चढ़ाई थी शैंक्स, इसमें मैंने नींबू के छिलके और ये ड्राई लेमन, लूमी लूमी, ये मैंने इसमें डाला था। अब ये गोश्त मैं डालूंगी इसमें, जबरदस्त, इससे एक टेस्ट आता है ये लेमन का खास। तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ, फ्रेश 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 डालना है, हर चीज फ्रेश में, हाँ। और तो इतनी आसानी हो गई है, जितनी मशीन्स अप्लायंसेस आ गए हैं, हर चीज मौजूद है। वेस्ट पॉइंट का आप चॉपर लें और बना दें, यहाँ पर भी है ना, मगर ये हावन दस्ते में वो लोग पीसते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें ये टमाटर डालेंगे, टमाटर का पेस्ट, हाँ, अभी डलेगा या थोड़ी देर में? नहीं, ये थोड़ी देर, ये ठीक है, फिर हम ब्रेक में टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं। आगे जो जो इस रेसिपी में होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। नाहिद आपा किचन में बना रही है एक बहुत मुश्किल नाम वाली डिश, जो मैं नहीं बताऊंगी आपको, खुद नाहिद आपा ही बताएंगी। तो हम जा रहे हैं, क्या था, उजी आला तिमन, हाँ, व्हाटएवर। जावेद शेख साहब से हमने एक स्टोरी सुननी थी तो वो जल्दी से हम सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि लंबी स्टोरी, जावेद शेख साहब, रावलपिंडी टू कराची कैसे, क्या हुआ था? नहीं, ये बड़ा दिलचस्प वाक्या है कि बचपन से मुझे एक्टर बनने का शौक था, स्कूल में था, छोटे बच्चे जितने भी मेरे दोस्त थे तो उनको भी शौक था। तो हमने एक दिन प्लान किया कि यार फिल्मों में काम करना है तो
टेलीविजन तो उस वक्त था नहीं, तो फिल्मों में काम करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, तो आपस में डिसाइड हुआ कि भाई उसके लिए तो लाहौर में स्टूडियो है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। सारी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में ही थी। तो कैसे जाएंगे भाई, तो पैसे तो किसी के पास थे नहीं। तो मुझे कहा कि यार तुम्हारे वालिद साहब के पास पैसे ज्यादा होते हैं, तुम जरा उसमें से एक 100 रुपया चोरी करो। 100 रुपये से बड़ी बात होती थी उस वक्त। हाँ, तो 100 रुपया मैंने चोरी किया और मैं लड़कों के पास आ गया। कौन सा साल था अंदाजन? ये था 68 something 69। ठीक है, या ओके। तो वो लेके मैं हम आ गए। तो अब लोग अब वो इतना वो 100 रुपये का उस वक्त हम इसको खुला करवाना है तो कैसे करवाएं। तो आप एक हलवाई की दुकान पे गए, 2 रुपए के लड्डू लिए और 2 रुपए के लड्डू भी इतने सारे आते और 98 उसने साथ में दिए। हमने वहाँ से टांगा करवाया और हम सीधा पहुँच गए रेलवे स्टेशन। वहाँ 4 ट्रेन के टिकटें हमने बुक करवाई, कोई ट्रेन थी पता नहीं क्या नाम था, और उसमें जाके हम बैठ के और लड्डू खा रहे। घर में किसी को नहीं मालूम अभी? नहीं नहीं, अभी ये एक तरफ का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। हम लाहौर जा रहे हैं फिल्म एक्टर बनने के लिए। ओके, अब इत्तफाक से ये देखो किस्मत की बात है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो ट्रेन चल पड़ती जहाँ मैं सोच रहा था कि मैं एक्टर बनने के लिए जाऊंगा, तो आज मैं इस जगह पे ना होता। अच्छा, ये इसकी कहानी है, कुदरत का एक निजाम है। तो खैर, मेरे वालिद साहब उस बाजार से गुजरे थे, हलवाई की दुकान के पास से गुजरे थे। उन्होंने कहा कि शेख साहब सलाम अलैकुम, बोले आज तो आपका बेटा आया था 100 रुपये लेके और वो 2 रुपये के लड्डू लेके। बोले 100 रुपया वो उसके पास कैसे आया? तो वो उनको शक हुआ, वो घर भागे और उन्होंने अपने पैसे गिने, उसने 100 रुपये कम थे। अब वो वापस आए और अपने 4 5 6 उनके जो फ्रेंड्स थे उनको इकट्ठा किया। अब उनकी छठी हिस्सा थी कि हम उस 100 रुपए के साथ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उनकी छठी हिस्सा थी कि भाई ये कहीं भाग सकते हैं। तो उन्होंने दो दोस्तों को बस स्टैंड की तरफ, दो को टांगा स्टैंड की तरफ, दो को रेलवे, और खुद अपने एक दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पर। अच्छा, अब वो उधर से ये कहानी, इधर से हम लड्डू खा रहे हैं और हमने जाना है लाहौर एक्टर बनने के लिए और हम बैठे हुए हैं मजे से कि भाई अब तो लाहौर जा रहे हैं। तो वो अब वालिद साहब पहुंचे और ट्रेन चलने में कोई 7-8 मिनट थे। अच्छा, अब वो आखिरी डब्बे से उन्होंने देखना शुरू किया कि कहाँ है मेरा बेटा। ये देखते 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 देख एक बीच में आके रुके, हमें नहीं पता। तो अब हम तो मशगूल थे खाने में, लड्डू खा रहे हैं सामने से भाग गए। अब अचानक अब मेरे वालिद साहब का हाथ, ये मेरे दो हाथ उनका एक माशाल्लाह हाइट भी थी, तो वो ऐसे था, एक गर्दन पे मेरे हाथ आया ऐसे करके और ऐसे करके मुझे उठाया। और बस उसके बाद क्या उम्र थी आपकी? हैं, क्या उम्र थी आपकी? 12-13 साल। अच्छा अच्छा, तो ऐसे करके उठाया और जब मुझे होश आया तो मैं उल्टा लटका हुआ था और दुर्रे पड़ रहे थे मुझे। वालिद साहब मुझे मार रहे थे, अच्छा एक्टर बनना है हैं? कसम से तो वो वालदा मेरी बचा रही थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, बच्चे को ना मारे, तरीका है देखो, ये हमारा कर दो गया, ये है वो है। बहरहाल मकसद ये कि ये इंसिडेंट था, सवार नहीं हुए। इस इंसिडेंट ने टर्निंग पॉइंट ये था। अच्छा, वालिद साहब ने सोचा कि ये लड़का जिसकी इससे पहले कि फिर भाग जाए, हाँ ये इसकी सोबत जो है ये अच्छी नहीं है, तो लिहाजा इसको कराची शिफ्ट किया जाए। तो कराची में उस वक्त ट्राम्स चलती थी। हाँ। तो वो जो ट्राम कंपनी के मालिक थे यहिया रनवर साहब, हाँ। और वो मेरे वालिद साहब के दोस्त। अच्छा। उनसे बात की कि यार मेरा बेटा इस तरह ख़राब हो रहा है तो कुछ करो। तो उसने कहा कि तुम कराची ले आओ। अच्छा, वालिद साहब मुझे कराची ले आए। तो यहाँ गार्डन पे जहाँ ट्रैम डिपो था, हाँ। उसके पीछे ही वो रहते थे। ठीक है। तो उनकी एनेक्सी में हम जाके रहे और ये कहते हैं ना कि माहौल का बड़ा असर होता, बड़ा असर होता है, बेशक। तो वो जिस माहौल में मैं था पिंडी में, तो वहाँ बदमाशी थी, चाकू थे, छुरियाँ थी, चोरी थी, डाके थे। और यहाँ आके मैं एक ऐसे घर में आ गया था जहाँ पढ़ाई है, लिखाई है, तहजीब है, तमद्दुन है, है। तो ये मेरी किस्मत थी। यहाँ फिर आप यहाँ से जो
पर्सनालिटी पॉलिश हुई कि वो बच्चा जो स्कूल से भागता था अब स्कूल में फर्स्ट आने लग गया। जबरदस्त, वाह। तो वो बस ये मेरी यानी कि अगर उस दिन आप अपनी मर्जी से ट्रेन में सवार हो जाते तो आप एक मुख्तलिफ रुख पे हो सकता है एक्टर बन जाते हैं, लेकिन बड़े मुख्तलिफ रुख पे डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ। देखिए जो बच्चे सोचते हैं कि वो घर से भाग के वो कुछ बनना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज का एक तरीका कार है और एक टाइम लाइफ में टाइम होता है और बड़ों की उसमें दुआ शामिल होनी चाहिए, सपोर्ट शामिल होनी चाहिए। ये नहीं तो मैं ये सोचता हूँ, मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, जर्नी ऑफ पैशन। अच्छा, जर्नी ऑफ पैशन, यस। तो ये वो जर्नी है, द वन दैट यू स्टार्टेड फॉर द ट्रेन, या ये दूसरी? एग्जैक्टली वही वाली जर्नी, यस। फिर जब आपके बेटे ने जावेद शेख साहब ये कहा कि मुझे एक्टर बनना है, ये उसने खुद कहा था कि मैंने एक्टर बनना है या फिर आप लोगों ने कहा कि एक्टर बने, क्या हुआ था उसमें? किसके? आपके फिर बच्चों में से जब उन्होंने कहा शहजाद ने या फिर मोमिन ने? शहजाद ने। देखो मैंने तो कहा कि बेटा शुरू में तो उसका इरादा नहीं था, मगर ऑब्वियसली फैमिली में बहुत से हैं, बैरोज है, मैं हूँ, सलीम है, फैमिली में सारे। हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको शौक शुरू हो गया, वहाँ बैरोज का बेटा, यहाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी, वहाँ शहरोज की बीवी, यू नो, तो ये पूरी एक बड़ी फैमिली। आपने उस वो प्लान तो नहीं किया होगा ना कि कल को जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसमें आ जाएगी? एंड वन थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट आपको जावेद शेख साहब, जो आपकी फैमिली है, बहरोज भाई की भी फैमिली, एक जो उन बच्चों में तालीम, तरबियत और डिसेंसी दिखती है ना, वो एक अलग ही है। वो पता चलता है कि उनके माँ बाप ने, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड में जब लेकर भी आ रहे हैं, उन्होंने तहजीब के साथ और समझ के साथ उनको भेजा है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसके लिए हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात अधूरी रह गई शेख साहब की, वो पूछना कि यहाँ तक तो पहुँच गए शौक में एक्टर बनना है, अब्बू जी ने तालीम घराना भेज दिया, तो फिर वो डाइवर्जन कैसे हुई तो आपके उस फील्ड की तरफ? शौक भी पूरा हो गया ना आपका, फिर आप टॉप पे गए खूब, तो वहाँ फिर वो कन्वर्जन आपकी किस तरह हुई, यानी एक्टिंग का शौक किस तरह शुरू हुआ, फिर वो कैसे पूरा हुआ कराची आने के बाद? जो कराची जब आया, जब कराची आ गया, जब मकसद ये है कि तालीम को छोड़ के एक्टिंग नहीं करनी, सही, फिर तो वो भर साथ साथ हुआ ना, मुकम्मल करके आपने एक्टिंग की तरफ जाना है या किसी और? परमिशन मिल गई फिर घर से भी? नहीं, परमिशन नहीं मिली। अच्छा, परमिशन फिर भी नहीं मिली थी? वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग कहानी। इसके लिए मेरे ख्याल में 3-4 कंसेक्यूटिव दिन बुलाना पड़ेगा, हम कल बुला लेते, लेकिन वो एक अलग है। डाइवर्ट हुए, फिर शौक कैसे पूरा हुआ वो भी अभी पूछते हैं इनसे, वो भी आते हैं, और ये सारी कहानी आज हम जावेद शेख साहब से पूछेंगे ताकि ये सब आपको पता चल सके। लेकिन एक बात तो जनाब हो गई वाज है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, बड़ा नाम बनाना है, और कुछ अरसे के लिए नहीं, जो फेम होता है ना ये बहुत कम अरसे के लिए भी होता है, और ये जो इज्जत अल्लाह देता है, जो फेम माँ बाप की दुआओं के साथ आता है, ये फिर लंबा होता है, तवील होता है, सिर्फ 2-3 साल का नहीं होता। तो अगर माँ बाप की दुआओं के साथ, पढ़ लिख कर, तहजीब के साथ, काम सीख कर आप उसमें आएंगे, और कोई भागम दौड़ नहीं होगी, ये नहीं होगा कि बस नाम कमाना है, पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है, तो फिर वो चंद साल का ही होगा, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? तो माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, तालीम बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपको जिस भी फील्ड में जाना आप जा सकते हैं। जनाब, हमारे साथ हम जब बचपन की बात कर रहे होते हैं तो बचपन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों को ही मद्देनज़र रखते हुए मेरी पूरी जियो की टीम ने एक सेगमेंट तरतीब दिया, नन्ही सी ख्वाहिश, जिसमें हम आपको रोज़ एक ऐसे बच्चे से मिलवाते हैं जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन फिर भी है उसकी एक मासूम सी नन्ही सी ख्वाहिश। तो आज कौन है हमारी नन्ही सी ख्वाहिश का मेहमान? तो अल्लाह ने की, रब नवाज की ये नन्ही सी ख्वाहिश पूरी और वसीला बनाया हमें। अस्सलाम वालेकुम रब नवाज, कैसे हो? ठीक हूं। भाई बताओ क्या ख्वाहिश थी और वो पूरी हो गई? कहाँ गए थे? सफारी पार्क। सफारी पार्क, क्या देखा वहाँ पर? हाथी। अच्छा, जितने बच्चे बैठे उनको बताओ ना क्या क्या देखा सफारी पार्क में। हाथी था, और? हाथी था, हिरन था, और जेब्रा, और बत्तख। ये थी बत्तख को खाना खिलाया जी? वो कितने सारी बत्तख आ जाती है ना, क्वैक 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 करती हुई है। कैसे करती है बत्तख? क्वैक क्वैक। अच्छा, और ये बताओ कि फिर वो सारे जानवर कोई कमजोर शमजोर तो नहीं थे? सही खा पी रहे थे, तगड़े थे?
जी। अच्छा जबरदस्त। हाँ जी अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे रबनवाज की वालिदा भी मोहम्मद है, नुसरत बीबी और नूर मोहम्मद उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। नुसरत बीबी मुझे बताएं ये क्यों इसको ख्वाहिश थी जू जाने की? माइक ऊपर कर लें। हाँ जी जी, बस इस ख्वाहिश से ना इसका ख्वाहिश बचपन से था, मैंने इसको सेकल नहीं दिला था फिर दूर जाएगा जो हाँ। आपकी खुद ही अपना जिद करके ख्वाहिश थी उसको पूरी हो गया। अच्छा। मैं आप लोगों की शुक्रिया अदा करूँ कि बच्चा अच्छा। बहुत खुश है। नहीं शुक्रिया की क्या बात है, बहुत खुश है साइकिल चला कि बस हाँ। तो सही है शुक्र है। अच्छा नूर मोहम्मद भाई को माइक दीजिए। नूर मोहम्मद भाई मुझे ज़रा बताइएगा कि बच्चे को थैलेसीमिया है? जी हाँ थैलेसीमिया है इसका। तो कब से आप लोगों को पता चला और फिर क्या मुश्किलात रही इस मामले में? ये 2 महीने का था कि इसका पता चल गया, हम इधर उधर इलाज कर रहे थे पर उससे ठीक नहीं हो रहा था, फिर इसका हर एक टेस्ट किया था, आखिर में इसका थैलेसीमिया का टेस्ट किया, थैलेसीमिया निकला था इसी बार। अच्छा। 2 महीने पैदाइश के बाद अच्छा पता चला। तो क्या आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं? नहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों थैलेसीमिया माइनर हो। तो फिर अच्छा आप किस तरह से इलाज हो रहा है? आप खुद तो गार्ड की नौकरी करते हैं तो। जी हाँ इलाज हो रहा है वो PW का सिविल अस्पताल में केदार है, वो अच्छा इलाज कर रहे हैं। जी चलें हम सब दुआगो हैं और कल्याणवी साहब हमें आई थिंक सब दुआ भी करनी चाहिए ये बच्चा जल्द अज जल्द सहतियाब हो जाए और हम इतनी कोशिश जो कर सकते थे कि हम इसकी नन्नी सी ख्वाहिश पूरी करें हमने वो की है। अब खुश हो जी। अच्छा ज़बरदस्त। और कोई तो ख्वाहिश वाहिश नहीं है, और कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? नहीं। पक्की बात है? मैंने सुना तुम्हें बाईसाइकिल भी चाहिए थी, वो भी मिल गई है, है ना? बाईसाइकिल भी चाहिए। हाँ मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल चाहिए? किसके लिए? अब्बा के लिए? जी। पक्की बात है? जी। हाँ बाइक चाहिए? जी। बाइक दिलवा दें तुम्हें? जी दिलवा। अब्बा के लिए चाहिए? अब हम तो इसमें नन्नी से ख्वाहिश पूरी करते हैं, ये तो बड़ी ख्वाहिश है अब्बा की। जो बड़ों की होती है वो बड़ी ख्वाहिश होती है, जो छोटों की होती है वो नन्नी ख्वाहिश होती है। अब्बा तुम्हारी बाइक पे बैठ सकते हैं क्या? जी बैठ सकते। पक्की बात है? जी। तो छोटी होती है ना। कितने की आती है भाई बाइक, कितने की आती है? जल्दी से माइक में बताए ना। 60,000 की? 60,000 की आ जाएगी। चले मैं अपनी तरफ से इसके अब्बा की बड़ी सी ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, मैंने बाइक दे रही हूँ। ठीक है खुश रह। चले आपको हम बाइक दे देते हैं, जबरदस्त है। ये मेरी तरफ से आपके साथ बाइक जाएगी। तो नन्नी और बड़ी दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगी नहीं कि कोई और ख्वाहिश है या नहीं, फिर ये बाइक मांग लेते हैं, फिर क्या करें भाई। अच्छा जी, तो आज बाकी आपके साथ जो चीज़ें जा रही हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपके साथ गिफ्ट हैंपर्स जा रहे हैं फुटाइल की जानिब से, हील्स और अबीर नूर की जानिब से गिफ्ट हैंपर्स जा रहे हैं। जल्दी इसे लेकर आ जाएं जी जनाब। तो बच्चों की ये नन्नी नन्नी ख्वाहिशें पूरी करना सिर्फ इनकी जो बीमारी है इनकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हैं, और ज़ाहिर है हम इतने इस उम्र को पहुंच कर भी हमारे हाथ पे एक छोटा सा कट लग जाए ना, या खाना बनाते हुए हाथ थोड़ा सा जल जाए तो हमारी तकलीफ़ का आप अंदाज़ा आप सबको है कि कैसे तकलीफ़ होती है। और ये तो बड़े मासूम बच्चे हैं, और फिर ऐसे बच्चों की अगर कोई नन्ही ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह हमें वसीला बनाता है तो फिर हम बहुत खुश नसीब हैं जी। मुझे कुर्सी जो मेरी थी वो मुझसे छीन ली गई है, और आलियान ने मुझसे कुर्सी छीन ली है। अब आलियान आप ही वेलकम बैक कर दो, सबको बोल दो वेलकम बैक। अब ये होस्टिंग करेंगे, मैं अपनी ये साइड वाली चेयर ले लेती हूँ। अच्छा जी, बच्चे मन के सच्चे हमारे सेट पर आ गए हैं और इनके पास हम जा रहे हैं। आज पता नहीं क्या खतरनाक किस्म के सवालात ये लेकर आए हमारे लिए। जावेद शेख साहब आ जाइए, मैं आपको लेकर जा रही हूँ बच्चे मन के सच्चों के पास। ये बैठे हैं, आ जाइए वहाँ से आ जाइए। आलियान आ जाओ आप भी, जहाँ जगह है वहाँ नहीं, मेरी सीट पर बैठना है। यहाँ जावेद शेख साहब आप आ जाएं। आलियान जल्दी से आ जाओ, आप इन्हें जानते हैं सब बच्चे? जल्दी से, सो हैप्पी स्टार स्ट्रक। ये आलियान जाएं आप जावेद शेख साहब के पास बैठ जाएं, जाइए इधर बैठ जाओ। हाँ जी आप इधर बैठ जाओ। अच्छा जी किसके पास है सवाल? बस कर जो खुद, तो ये सारे सवाल मुझे लिख के दे दिया करो, मेरे पास खत्म हो जाते हैं। अच्छा माइक कहाँ है भाई? हाँ तो तुम पूछो पहले। बड़ा अच्छा टीका शीका लगा के आई हो, जबरदस्त भाई। हाँ जी जल्दी से जावेद शेख साहब से सवाल पूछ लो। मेजा आपको मेरे नाम के मीनिंग पता है? आपका नाम क्या है? इरज। इरज नहीं जो आप बहुत हैं।
प्यारी खूबसूरत ओह थैंक यू सो मच ये तो जबरदस्त सवाल ये जवाब मेरा फेवरेट है पता है जब उससे कोई पूछता ना सब कोई सलाम करता है तो मुझे कहता है अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप तो उनको लगता है मैं कहूँगी ठीक हूँ तो जब आप पूछो बोलो अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप पूछो मुझसे इरज मुझसे बोलो अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं बहुत प्यारी मैं ये जवाब देती हूँ तो आप लोग भी यही जवाब दिया करो ठीक है अच्छा हु इज अनदर क्वेश्चन ओके कप्पू बोलो मैं भी ऐसी थी बचपन में तो अभी भी ऐसी हूँ हाँ हम लोग रात में सहरी भी करते हैं और वो नमाज भी पढ़ते हैं फिर सुबह उठते हैं तो मम्मा पानी पिला देती है कि एक दाढ़ का रोज़ा फिर वो क्यों एक दाढ़ का रोज़ा क्यों कल्याणवी साहब बताएंगे बताएं कल्याणवी साहब ये क्या मसला है भाई हाँ ये कुछ रिवायती रोज़े बच्चों की दिलजोई के लिए हौसला अफजाई के लिए घर वालों ने अपने फिक्स किए हैं तो उन रोज़ों में से एक दाढ़ का रोज़ा हम भी बचपन से रखते और सुनते चले आ रहे हैं अच्छा बड़ों के रोजा नहीं ये तुम्हारा रोजा हो रहा है कोई मसला नहीं बड़ी होगी ना फिर पता चलेगा हाँ बड़े लोग खुशी में रोते क्यों हैं जावेद शेख साहब बताएं आप खुशी में रोते हैं कह रहे हैं बड़े लोग खुशी में रोते क्यों हैं भाई वो भी एक अचीवमेंट होती है तो आपकी आंखों में आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं आप रोए जावेद शेख साहब बहुत दफा जब अवार्ड मिला या कोई ऐसी होती है या पास होता है बंदा स्कूल में कॉलेज में वो खुशी जो है ना वो ऑटोमेटिकली आंखों में आंसू जरूर आते हैं बिल्कुल ऐसे हाँ जी बड़े बोलते हैं लड़ो मत लेकिन वो क्यों लड़ते हैं बड़े बोलते हैं लड़ो मत तो फिर वो क्यों लड़ते हैं कल्याणवी साहब हाँ ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए सबक है वैसे कि बड़े जब खुद समझाते हैं बच्चों को लड़ो मत तो उसके बाद खुद क्यों लड़ते हैं तो बात तो बच्चे की सही है कि बड़ों को भी बहुत अपने रवैये एहतियात से रखने चाहिए बड़ों को नहीं लड़ना चाहिए जो बड़े करते हैं बच्चे उसकी फोटोकॉपी करते हैं हाँ। में चलते हैं इसलिए बड़े अगर वाकई लड़ते हैं सब बड़े नहीं लड़ते कुछ बड़े लड़ते बड़े हैं। बच्चों को समझाते हैं झूठ मत बोलो फिर हाँ। कोई फोन आता है तो कहते हैं उठा के बोलो कि अम्मी नमाज पढ़ी है हाँ, तो इसलिए बड़ों को एहतियात करनी चाहिए कि वो जो चाहते हैं अपनी जनरेशन में देखें तो वो खुद करें ताकि फिर बच्चे उनको कॉपी करते रहें कभी कभी ना बड़ों से भी गलती हो जाती है जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जितने भी इंसान हैं उनसे गलती तो हो जाती है दैट इज़ ह्यूमन नेचर लेकिन अगर किसी से गलती होती है बड़े से तो आप उन्हें बताओ कि मामा आपने तो मुझे कहा था लड़ते नहीं है तो फिर आप क्यों लड़ रही हैं फिर मामा को समझ आ जाएगी अच्छा अब तुमने क्योंकि माइक ले लिया ज़बरदस्ती तो बता दो क्या क्वेश्चन है हमारे पास सुपर हीरोज वाली पावर्स क्यों नहीं होती ओहो बताएं भाई शेख साहब के पास तो हमारे पास सुपर हीरोज वाली पावर क्यों नहीं होती ये बैठे सुपर हीरो हैं ये नहीं नहीं मैं सुपर हीरो नहीं क्यों नहीं आप अभी आप के साथ जो तो बाकी मैं तो लड्डू वाला हीरो सुपर हीरो नहीं हूं आपके साथ जो बाकी हीरोज होते हैं फिल्म में आपको पता है ना वो हीरो होते हैं कि भाई ये हीरो है लेकिन ऑडियंस किसके लिए बहुत तालियां बजा रही होती है इनके लिए क्योंकि इनकी जो माशाल्लाह जो भी परफॉर्मेंस देते हैं जो भी किरदार होता है उसमें इतनी जान डल जाती है कि वाकई सुपर हीरो होते हैं हाँ जी आपका भी है कोई क्वेश्चन बताओ इतने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं मुझे भी दे दो ये कपड़े मैं भी पहनूंगी कितनी प्यारी लग रही है क्या नाम है आपका शबिया शबिया कितनी इरज लग रही हो तुम यानी कि खूबसूरत अच्छा बताओ व्हाट इज योर क्वेश्चन चांद को हम चंदा मामा क्यों कहते हैं चंदा चाचू क्यों नहीं कहते ये क्योंकि देखो भाई अम्मा होती हैं तो क्या करती हैं मामू बहुत अच्छे हैं ना तो ये जो चंदा का बताया है वो भी आपको मामा ने बताया होगा है ना तो वो इसलिए बताए ये चंदा मामा है जब बाबा आपको बताएंगे तो कहेंगे चंदा चाचा है ये सब माओ की साजिश है जो उसको मामा बना दिया है चांद को मामू बना दिया है इसलिए उसको चंदा मामा कहते हैं क्यों कहते हैं भाई कल्याणी साहब एक साजिश इसके अंदर मम्मा को ये भी हो सकती है मुझे पता था आप कहेंगे साजिश हो सकती है कि अपने आप को चांद से मुशाबत देने के लिए ना कि मैं चांद की बहन हूँ चांद मेरा भाई तो मैं चांद जैसी खूबसूरत हूँ तो इसलिए बड़ी दूर की उन्होंने मिसाल दी चंदा बड़ी मामा लंबी साजिश है कि मेरा भाई ये चांद देखो जिस तरह चांद खूबसूरत उस तरह मैं भी खूबसूरत तो इस तरह उसको चंदा मामा नाम रख दिया अच्छा जी बताओ आपने अपना पहला रोजा कब रखा मैंने पहला रोजा मैंने उस दिन बताया था बल्कि मेरी एक पिक्चर भी है मैं किसी दिन आप लोग को दिखाऊंगी मैं आई वॉज 3 years old जब मैंने अपना पहला रोजा रखा था मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कब रखा था रोज़ा यानी कि इस तरह के मैंने रोज़ा रखा हुआ है लेकिन वो आई वॉज 3 years old मेरी उसकी पिक्चर भी है और मैंने इसलिए रोज़ा रख लिया था क्योंकि मैं सहरी में उठी जैसे ये बता रही थी और फिर ये हुआ कि मेरी अम्मी ने कहा कि तुम वैसे भी खाना नहीं खाती थी जब खाने का वक्त आया तो मैं खेल खेल के दोबारा सो गई फिर आई वोक अप अगेन एट 5
तो फिर तो अफ्तारी होने वाली थी, तो मेरी जब अब्बू घर से आए, घर पे आए तो मेरी अम्मी ने कहा भाई इसका आज तो रोज़ा हो गया। मेरे अब्बू ने थोड़ी डांट भी लगाई कि उन्होंने कहा अब आप इसको ले जाएं, इसकी पिक्चर खिंचवाएं। तो उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे ना ज़्यादा सबके पास अवेलेबल, तो फिर मैं गई एक स्टूडियो, वहाँ पर मैंने पिक्चर फूल शूल पहन के खिंचवाई। फिर मैं घर आई, जब शेख साहब मैं अफ्तारी के दस्तरखान पर बैठी, अब पूरा दिन मैंने कुछ नहीं खाया, तो वो बड़ा सा डब्बा है मिठाई का, तो अफ्तारी से बिल्कुल एक मिनट पहले मैंने उसका चूरा उठाया मिठाई का और मुंह में डाल दिया। तो जल्दी जल्दी मेरी अम्मी ने मुंह साफ करवाया कि अभी तुम्हारा रोज़ा है, पूरा दिन रख लिया है तो अब क्यों खा रही हो। तो ऐसे था। आपका रोज़ा कब था पहला? मुझे याद नहीं है, ऑब्वियसली इसी एज में होगा। रोज़ा कुशाई हुई थी ना, ये इस एज में शौक ज्यादा होता है, बहुत होता है रोज़ा कि यार उठना है शहरी में, सब उठ रहे हैं, तो वो शौक की वजह से बच्चे जो है ना, तो ऑब्वियसली मैंने भी इसी एज में रोज़ा। अच्छा, और किसका सवाल है? वो रह गए। आपको अफ्तारी में क्या पसंद है? आपको अफ्तारी में क्या पसंद है भाई? अफ्तारी में मुझे मुझे एक्चुअली जो सबसे ज्यादा जो है वो पकौड़े अच्छे लगते हैं। वो हमारा एक खानसामा है, लाहौर से आता है स्पेशली रमजान के लिए। हाँ यस, हम पिछले 25-30 साल से है मेरे पास, 25-30 साल से है, और वो वो मैं शौक से खाता हूँ, पकौड़े और कचौरी। ओहो, आलू के साथ, आलू की तरकारी। ये दो चीजें मेरी पसंदीदा। तो ये फिर वो आपसे पूछ रही है, वो आपसे पूछ रही है। मैं तो रोज बताती हूँ कि मुझे ये पसंद है, फिर भी ये लोग ला के नहीं देते, तो बताती हूँ ये भी पसंद है, ये मुझे सब पसंद है। अच्छा, नहीं मैं खाता सब कुछ, ऐसा नहीं है, मगर उसकी क्वांटिटी कम। हाँ यस यस, खाना सब कुछ चाहिए। ठीक है, आलियान, do you have a question? क्या? Yes. What is your yes, question? What? बताओ question. Question. एक बार फिर बताओ question. 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 ये इसका question है. Question. Question है. Question. मैंने कहा ना बताओ question, तो कह रहा question. हाँ. और कोई सवाल है? क्या सवाल है? सवाल. सवाल. आलियान ऐसे क्यों? ए, आप देख रहे हैं इसका, ये आज के लड़कियां बनाती है पाउच पिक्चर्स, इसका नेचुरल पाउच है। वाओ वाओ, पाउच बनाओ। माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? आलियान। आर्यन, किसका पाउच ज्यादा अच्छा बनता है? शेख साहब पाउच बनाएगा माशाल्लाह। आई थिंक शेख साहब इज अ लिटिल बेटर। आप बनाओ पाउच, बनाओ। हमारे पास सुपर मॉम होती है। सुपर पावर्स का पूछा था ना, तो कह रही है हमें सुपर पावर्स की क्या जरूरत, हमारे पास तो सुपर मॉम्स होती है। इससे पता चलता है कि माओ ने सही तैयार करके बच्चों को भेजा है। अब्बाओ, जरा ऑफिस से फ्री जब हो जाओ तो थोड़ी सी अपने बच्चों को तवज्जो दो, ताकि यहाँ पे अब्बाओं का जिक्र भी हो। कोई अब्बा का जिक्र नहीं हो रहा, सुपर मॉम का जिक्र हो रहा है, अच्छी अम्मी का, चंदा मामा का। इसका मतलब है सारी तैयारी और सारी तवज्जो अम्मा दे रही हैं। शेख साहब, आपने अपने बच्चों को खुद तवज्जो दी है या बेगम साहिबा देती थी? नहीं, वो उनका ज्यादा हाथ। हाँ। मेरा कम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, मगर एक होता है ना कि हेड ऑफ द फैमिली, तो वो मेरा हमेशा से रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद अंकल, जो तबीयत जी, जावेद अंकल आपके फिटनेस का राज क्या है? ओह माय गॉड, टू मेनी क्वेश्चंस। फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज बेटा, मैं ख्याल रखता हूँ अपने खाने पीने का, अपने सोने का। मैं 7-8 घंटे मुझे सोना है, और खाना मैं कम खाऊंगा। अगर मुझे 4 रोटी की भूख है तो मैं 2 रोटी खाऊंगा, और वो चीज़ें नहीं खाऊंगा जो फजूलियात में शामिल होती है। मिसाल के तौर पे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये मैं नहीं पीता। कोई किसी बच्चे को नहीं पीनी चाहिए। वो बच्चे तो हैं, अब पिएंगे, मगर ऑब्वियसली हम अपनी एज पे जाके हमें फिर ख्याल आता है। वो लिहाजा वो नहीं, बर्गर नहीं खाता, पिज्जा नहीं खाता, वो चीज़ें खाता हूँ, सारी सब्जियाँ खाता हूँ, सारे फ्रूट खाता हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, और इन चीज़ों पर ज़्यादा मेरी तवज्जो होती है, और वो चीज नहीं खाता जो पराठा भी खाता हूँ, जबरदस्त भाई, पूरी भी खाता हूँ, हर चीज, लेकिन बस। जावेद अंकल, आप कल उम्रे पे जा रहे हैं ना,
तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहिए। वाह माशाल्लाह, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर मेरा सलाम पेश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वाह माशाल्लाह, जरूर पेश करेंगे। आ जाए शेख साहब, आप अपनी निश्चित पर आ जाए। और मैं जा रही हूँ जी यहाँ पर रोजा कुशाई के बच्चों के पास। माइक ले आओ भाई रोजा कुशाई के बच्चों के पास। हमेशा मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब आपके घर में कोई बच्चा रोजा रखे तो उसको उस दिन का हीरो बना दिया करें। तो आज तो दो हीरोज यहाँ पर मौजूद है। और इस बच्ची के तो कपड़े इतने प्यारे, इधर आओ जरा कपड़े दिखाओ और ये ताज दिखाओ, आप तो बिल्कुल क्वीन लग रही हो भाई। नहीं तू तो अभी आने वाली है ना। सो ब्यूटीफुल, मुझे भी ये ताज चाहिए, मैं भी पहनूंगी ये, ठीक है। चांद रात पे फिर मैं बहुत ऐसे शक शक चक वाले कपड़े पहनूंगी और फिर ताज भी लगा लूंगी आपका। देखे चली जाओगी मुझे ये ताज? आज बिस्ती डे है मेरा, आज बिस्ती हो रही है। चलो इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैं इतनी इरज हूँ यानी कि इतनी खूबसूरत हूँ और फिर भी मुझे आप अपनी ताज नहीं दे रही हो। अस्सलाम वालेकुम, टोपी इतनी चमक रही है यार, कहाँ से ला रहे हो ये सारी टोपियाँ? ये जियो वालों ने ला के दिए या खुद घर से अम्मी ने? मामा ने, मामा ने कहाँ से खरीदे? ऊपर पकड़ो माइक। रोजा लग रहा है? मेरा रोजा है। रोजा लग रहा है? प्यास लग रही है? है है, लेकिन लग रहा है? भूख लग रही है? नहीं। और प्यास? प्यास भी नहीं लग रही। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या खाया था सहरी में? सहरी में पराठा दही। ओहो, पराठा दही और मलाई वाली लस्सी। मलाई वाली लस्सी, पराठे, दही, वाह 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 वाह। आपने क्या खाया आज सहरी में? रोल पराठा। रोल पराठा, और वो क्या, वो चिकन मायोनीज वाला रोल? फिर क्या था उसके अंदर? रोल पराठे के अंदर क्या था? पराठे के अंदर क्या रोल हुआ हुआ था? नहीं पता। कबाब। कबाब, यार रोजा लग रहा है। आपा क्या क्या बना है किचन में? तैयार तैयार है आपकी मुश्किल से नाम वाली डिश? कूजी अला तिम्मन। कूजी अला तिम्मन तैयार हो गया है जी। और रोज़ा बहुत लग रहा है। आप लोगों को रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के लिए आज बड़े सारे गिफ्ट्स हैं। जब आप रोज़े की टेबल पे जाएंगे ना तब हम आपको बताएंगे। कूजी अला तिम्मन कितना बना है वो आए देखते हैं हम। नाहिद आपा बना रही हैं और आपा ज़रा दिखा दें भाई क्या हुआ है तैयार। चलो देखें। ओहो हो हो, ज़बरदस्त खूबसूरत खुशबू है। और ये जो उसकी लैम्प गोश्त की जो खुशबू है ना, और कितना जबरदस्त गल गया है। आपने यहाँ कैसे गला लिया इतनी जल्दी जल्दी? जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल। और अब आप सैलेड तैयार कर लेंगे साथ में? ये भी देख लें, यहाँ पर ये जुल्म है, ये मेरे साथ रोजे में ना किया करें यार। ये चावल है। ओहो हो हो, आज पूरा सेट ये अफतारी कर सकता है माशाल्लाह, इतनी बरकत का ये खाना होगा। जाफरानी चावल है। खुशबू आ रही है ऑडियंस को, जाफरान वाले चावल की खुशबू। अच्छा मुझे ऑडियंस में से कौन बताएगा कि इसको क्या कहते हैं? हाँ कौन बताएगा? वो रेड स्कार्फ वाली बच्ची को माइक दो जल्दी से। कूजी अला तिम्मन। अरे ये जो बर्तन है इसको क्या कहते हैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 3 2 1। हाँ वो पीछे वाली आंटी को दो, वो जो अब आए लगन, लगन। हाँ किसने बताया? मैंने। नहीं जल्दी से बताओ किसने बताया है? आप लोगों ने, आपको किसने बताया? मैं, पापा ने। पापा कहाँ है? पापा को गिफ्ट्स हैं जी, विनक्लॉर के गिफ्ट्स हैं और हील्स के भी गिफ्ट्स हैं, जबरदस्त। पापा को याद था। हाँ मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ, ये बन रहा है भाई लगन के अंदर कूजी अला तिम्मन। अभी ये तैयार हो जाएगा, जब सर्व हो जाएगा ब्रेक पर से आने के बाद हम आपको ये दिखा भी देंगे। हमारी जिंदगियों में कुछ पल खुशी के होते हैं, कुछ पल दुख के गम के होते हैं, कुछ पल तगुदो और मेहनत के होते हैं। इस ट्रांसमिशन में मेरे इस घर में जो ये लम्हा आता है ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे और मुश्किल होता है। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि इस सेगमेंट में मुझे अपने ही मुआशरे से ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो मेरा दिल दुखा भी देती हैं, लेकिन मुझे इस बात पर मजबूर करती हैं कि मैं हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और हम कितनी नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है।
नाज़रीन कराम, दूसरी जो वजह है जो मेरे लिए मुश्किल पैदा करती है वो ये कि इस सेगमेंट में मुझे आपकी ज़रूरत होती है और बराह रास्त आपकी ज़रूरत होती है। आपने हमेशा मेरा मान रखा है, जो मैं आपके सामने अर्ज़ करती हूँ, जो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप वो बात सुनते हैं और मानते हैं और मेरी मदद करते हैं। अल्लाह आपको चुनता है, आपको वसीला बनाता है उन ख़ानदानों के लिए जो मुस्तहिक हैं। आज कौन सा ख़ानदान हमारे साथ है, उनकी कहानी आपको दिखाएंगे और फिर उनसे आपको मिलवाएंगे। गडाप टाउन के इलाके सुखिया गोट की रिहायशी नसरीन बेगम 5 बच्चों की माँ है। 2.5 साल कबल शौहर के इंतकाल के बाद से बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नसरीन बेगम पर है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। घर का किराया 5,000 है जो महीनों अदा नहीं हो पाता। मैं बंगलों से जो लाती हूँ घर में ही पूरा हो जाता है, घर का किराया देती हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ। नसरीन का बेटा असद 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। 6 साल पहले असद के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसने सारी जिंदगी के लिए उसे माजूरी की दलदल में धकेल दिया। एक दिन दोस्त ने मस्ती की मेरे से ऐसी, तो दोस्त मेरे को पीछे से आके अचानक पकड़ा ने ऐसी, वहाँ पर तेल था, स्लिप हुआ तो वो दोस्त अचानक कढ़ाई के अंदर गिर गया तो मैं बच गया। वो बच तो गया मगर जिंदगी भर के लिए दोनों हाथों पैरों से माजूर हो गया। असद अब 20 साल का है। वो 6 साल से अपने जख्मों के साथ माजूरी की जिंदगी जी रहा है। उसके जख्मों में से आज भी खून रिसता है जो गर्मियों में उसका जीना दुश्वार कर देता है। जिसमें जब भी पट्टी चेंज करते हैं इसमें से खून निकलते है, ऐसा लगता है कि किसी ने अभी अभी गोश्त काटा है, ऐसे अभी अभी खून निकल रहा है ऐसे। जब अम्मी के पास पैसे होते हैं तो जब लगा लेता हूँ, नहीं होते तो कोई मसला नहीं। असद चाहता है कि उसके हाथों पैरों का मुकम्मल इलाज हो जाए और वो पहले की तरह चलने फिरने के काबिल हो जाए। मैं टांगों पे खड़ा हो जाऊं, माँ भी घर पे बैठी रहे, बच्चे भी पढ़े, खुशी से खाए पिए, बस इतना ही हो तो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए शुक्रिया। असद की आपने कहानी सुनी और उनकी वालिदा नसरीन बेबी यहाँ पर मौजूद हैं। असद पहले मेरे साथ है और असद के मैं ये पांव देख सकती हूँ और हाथों की भी। असद अगर आप अपने हाथों की उंगली दिखा सको तो अब आपके एक हाथ की 2 उंगलियाँ नहीं हैं और उस हाथ की 4 उंगलियाँ नहीं हैं। वो आपका दोस्त तो वो इंतकाल हो गए जिसने आपसे शरारत करने की कोशिश की। जी वो भी मेरे साथ ही गिरे थे, मैंने कढ़ाई को अचानक पकड़ लिया तो इस हिस्से में फंसे हुए तब मेरा जिस्म तो फिर इतने बेहोश रहे पूरा। क्या उस कढ़ाई में क्या तेल? जी चर्बी पिघलती थी। थोड़ा सा ऊपर माइक करना सर। चर्बी पिघलती थी उसके अंदर। आपको अगर मुश्किल है मैं पकड़ लूं माइक? ठीक है, आसानी से पकड़ लो। तो अभी ये हाथों के तो जख्म थोड़े बेहतर हैं लेकिन टांगों की अभी भी आपने पट्टी बांधी हुई है ना? ये जी नहीं, मैं जख्म में हर गर्मियों में ऐसे जख्म निकल जाते हैं, सूजन आती है, टांगों के चमड़े चेंज होते हैं और बहुत गहरे गहरे जख्म बनते हैं इसके ऊपर। तो आपको तो 3rd degree बर्न हुए होंगे ना, जो सबसे खतरनाक होता है? जी उन्होंने कहा था कि है भी, ये डॉक्टरों के पास जब चेक कराया तो उन्होंने कहा था जरा सा भी जरासीम नहीं लगे ये वो। तो गर्मी में अचानक ही कुदरत इतने मेडिसिन खाए कि गर्मियों में इतने जख्म हो जाते हैं। पसीना भी तो आता होगा ना, उसकी वजह से भी होता होगा पसीने से, गर्म मौसम से। जी तो फिर किस तरह, अब तो आप बिल्कुल व्हीलचेयर पे होते हो आप वैसे? जी नहीं, ऐसे घर पे बैठे रहते हैं। घर पे बैठे रहते हो तो कोई काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये 6 साल पहले हुआ था जी और 6 साल से ये हालत है। जी तकलीफ होती है? जी बहुत, रात भर सो नहीं पाता हूँ दर्द के मारे, बहुत तकलीफ है इसके अंदर। नसरीन बीबी वालिदा हैं इनकी। नसरीन आपके लिए यही बहुत बड़ा गम है कि जवान बेटा आपका इस तरह से बिल्कुल चलता फिरता और अचानक ही हो गया? आप इधर आओ मेरे पास आओ। अच्छा हाँ बताएं। यही मेरा बड़ा बेटा है, 2.5 सालों के शौहर के इंतकाल हो गए। मैं खुद बंगलों में काम करती हूँ, ठीक है, घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे,
घर में कमाने वाली मैं ही हूँ. मैं खुद मैं बीमार रहती, शुगर की मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, दिल का टेका है, मैं हार्ट की मरीज़ हूँ. मैं इतना मेरे पास नहीं होता जिसकी पट्टी करवाऊँ या इसके इलाज करवाऊँ. ये बच्चे मेरे बीमार हैं, एक हफ्ता हो गया, उल्टी, मोशन, बुखार, या अल्लाह. जिनको इससे भी आप दोनों घर में और कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं? मेरी बेटी है बड़ी, उसकी इससे छोटी, शादी कर दी. घर में चार, ये चार बच्चे और मैं. अच्छा, तो नसरीन बीबी अब क्या कहते हैं ये, अगर इसके ये ज़ाहिर है ये प्रोस्थेटिक लिम्स लगेंगे ना अब तो, ये आर्टिफिशियल अगर ये होगा, और तो कोई इलाज नहीं है? बस मेरा बेटा पैरों में खड़ा हो जाए. तो क्या कितना बताते हैं डॉक्टर्स इसके इलाज के लिए? डॉक्टर ने वहाँ यो क्लिनिक में, शुरू में हमारा छोटा सा घर था. हाँ. वो मैंने इसके इलाज के पीछे मैंने भेज दी उसको. ठीक है, नहीं आप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात. वो इलाज इसके इलाज के चक्कर में हम लोगों ने भेज इसके इलाज पे लगाई. अभी उसके बाद भी बोले 4 लाख रुपए होंगे तो इसके पैर सही हो सकते हैं, अपने पैरों में ये खड़ा हो सकता है. तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा होगा जी, जी. ये अगर मेडिसिन वगैरह, मेडिसिन वगैरह जैसे. और अब घर का क्या सूरत हाल है, किराए पे आप? जी मैं किराए पे रहती हूँ, किराए पे रहती, 5,000 महीना किराया है. तो आप कैसे देती हैं किराया? ये बंगलों में काम करती थी, अभी 3 महीने से मैं खुद काम पे नहीं जा पा रही, कभी इससे मांगती कभी उससे मांगते, ऐसे गुजारा करें. ये पट्टी कितने दिनों में चेंज करवानी पड़ती है? ये हर 3-4 दिन के बाद चेंज करवाना पड़ती है. हर 3-4 दिन में चेंज होती है, और गर्मियों में ज़्यादा मसला ज़ाहिर होता होगा. अभी क्योंकि इतना भी नहीं हो कि रात में सहरी करके रोज़ा रखो, इतना भी हमारे पास नहीं था. ठीक है, आपके घर में कोई है ज़ाहिर है कुछ ये गर्मी से बचने के लिए कोई अगर चीज़? नहीं, बस एक ही पंखा है. एक पंखा है. अगर मैं अपनी टीम से पूछती हूँ, गाबा के हमारे पास रूम कूलर्स हैं, वो हम आपके साथ एक तो मैं भेज रही हूँ अपने स्वाब दीदी इख्तियार पर, वो आप लेकर जाएगा कि ताकि थोड़ा सा ठंडक हो. तो ये गाबा इंटरनेशनल का जो रूम कूलर है वो मैं आपके साथ फ़िलहाल तो भेज रही हूँ. लेकिन जो असल बात है, अब मैं उस पर आ जाती हूँ. 8 से 10 लाख रुपये का ख़र्चा है इस बच्चे के इलाज पर, और अगर ये आप कर देते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे. मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मेरे बहुत करीबी लोग हैं, जो कि ये प्रोस्थेटिक लिम्ब्स जो ये बच्चों को लगते हैं वो ये लगा सकेंगे. मैंने जब अब इस बच्चे से मैं ब्रेक से पहले मिली तो मैंने उनको मैसेज भी किया है, अगर वो मुझे इस ब्रेक के दौरान बता देते हैं तो हो सकता है ये ख़र्चा और बहुत कम हो जाए. आपने सिर्फ ये करना है कि वो जो प्रोस्थेटिक लिम्स लगेंगे उसके लिए आपने डोनेट करना है ताकि ये बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए. या अगर आप काम करते हैं ये, कराची में सिर्फ 2-3 ही हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है, अगर आप उनमें से एक हैं, आप सुन रहे हैं, और अगर आप इसकी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, बहुत बड़ा मसला है जो हल हो जाएगा. फिर घर का भी मसला है, अगर उसको भी कोई अल्लाह का बंदा कर सकता है, और इनके मसाइल तो बहुत हैं, गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए किसी तरह से. और अब तो माशाल्लाह जितनी तरक्की हो गई है मेडिकल साइंस की. जावेद शेख साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी कहा ना कि इनके इलाज के लिए क्या? जी जी क्या 8 से 10 लाख रुपये दरकार हैं, लेकिन जितना भी कोई भी हो सके, कोई भी करेगा. हमें एड्रेस दे दीजिएगा, मैं अपने चंद दोस्तों से जितना भी हो सका मैं ये करवाऊंगा. थैंक यू जावेद शेख साहब, मैं अपनी तरफ से ये 10,000 रुपये. जावेद शेख साहब बहुत 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 शुक्रिया, ये ले लो बेटा, बहुत शुक्रिया. जावेद शेख साहब, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत डाले, अल्लाह आपके काम में और बरकत डाले, आपका बेहद शुक्रिया. नाज़रीन, पहला बारिश का कतरा जो साबित होता है ना, वो इस बात का ऐलान होता है कि मौसम खुशगवार हो जाएगा, बड़ी हरियाली होगी और बड़ा सुख चैन होगा. तो पहला बारिश का कतरा जावेद शेख साहब बने हैं. अब आपने मज़ीद इस कार्य खैर में हिस्सा डालना है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला जिन लोगों को चुनेंगे, जिन्हें वसीला बनाएंगे कि इस लड़के का मसला आप हल करवाएंगे. और बस आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, आपके मैसेजेस का इंतज़ार है, और आप मुझे बताइए अगर आप ये कर सकते हैं. इस बच्चे को सिर्फ हमने यहाँ तक पहुँचाना है. फैसलाबाद से हमारे पास एक कॉल आई है जो के नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, और 10,000 रुपये वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. एक बात जो मैंने इस ट्रांसमिशन में, और मेरी टीम ने, अल्लाह इन सबको खुश रखे, एक बात जो बहुत
वाजे हमने रखी है वो ये कि जितने यहाँ पे मुस्तहकीन आएंगे हम डायरेक्टली उनका अकाउंट नंबर स्क्रीन पर बता रहे हैं। अब पहले ये भी होता रहा, कुछ लोग ज़ाहिर है आते हैं जिनके अकाउंट्स नहीं होते हैं, हम मेक श्योर करें कि जो लोग आए हम उनका अकाउंट बनवा लें, हम खुद जाकर टीम के थ्रू हम ये अकाउंट बनवा लें ताकि जो रकम जो लोग भी भेज रहे हैं वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में भेजें, ये जब चाहे निकाल लें, ये किसी के थ्रू ना जा रही हो रकम। उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द इन तक ये चीज़ पहुँच जाए। तो आप लोगों ने नाज़रीन इस बच्चे के लिए, ये जो यहाँ पर लड़का मौजूद है, जो सिर्फ़ एक शरारत की वजह से, जो बच्चा अल्लाह उसे बहुत, मैं अब ये सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो बच्चा भी मासूम सी एक शरारत करते हुए दुनिया से चला गया और उसकी भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं ऐसी शरारतें ना किया करें, ऐसी शरारतें जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो बेटा या किसी और की ज़िंदगी को ख़तरा हो। फिर माँ बाप का ये हाल होता है, हम रोड्स पर देखते हैं जो वन व्हीलिंग करते हुए बच्चे जा रहे होते हैं, मैं सिर्फ जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ ना तो फ़ौरन मेरे दिल में जो ख्याल आता है वो ये कि इसकी माँ को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरा बच्चा बाहर ये कर रहा है। तो बस ये सूरत हाल है और आपके सामने है, मेरी बहन यहाँ रो रही हैं और आपने आज जाने से पहले इनके ये आंसू खुश करने हैं, ऐसा होगा। कल भी हमारे पास जो लोग आए थे ना, इतना बड़ पाकिस्तानियों का शेख साहब दिल बहुत बड़ा है, ये सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम है, तो यहाँ से तो कोई मायूस होकर नहीं जाता। और अल्लाह के सामने अगर वैसे भी दुआ रखें तो मायूसी वहाँ देर है लेकिन अंधेर बेशक नहीं है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी। कल्याणवी साहब, अगर आप एक मुख्तसर सी लेकिन अपील कर दें नाज़रीन से ताकि इस बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। नाज़रीन से यही दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, हम दुनिया के खानों में बस औकात एक एक खाने में 15-20 हज़ार रुपये उड़ा देते हैं, खा लेते हैं एक जाकर डिनर करने में। ये वो चीज़ें हैं कि देखिए, एक माँ जो यहाँ पे आंसू बहा रही है उसके आंसू वो बड़े कीमती हैं, वो औलाद को यतीम हो गई है तो यतीम के सर पे हाथ रखना वैसे ही बहुत बड़ा कार्य खैर है। तो दामे सुखने जितना हो सके, मेरे कौम में जज्बा है, पैसा है, सरमाया है, हम गुर्बत का रोना रोते हैं लेकिन माशाल्लाह पैसा है तो अपनी जेबों से और जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी आप हैसियत जितना है। दे कल बच्ची ने जवेरी ने 100 रुपए भी दिए जो जवेरिया मुझे थी। हाँ वो मुझे बताना है, कल जो हमारे पास आए थे आबिद भाई, आप सबने देखा और आप लोगों ने देखा कि क्या यहाँ पर सूरत हाल हो गई थी, सबकी क्या हालत हो गई थी। हमारे पास जो बच्ची आई थी मेक अ विश फाउंडेशन से, जवेरिया, जो फौजी बच्ची थी, वो ब्रेक में आई भागे भागे और मुझे कहती है, वो पठान थी तो मुझे पश्तों में कहती है कि रावेवा जी, ये मैं अपनी जो पॉकेट मनी साथ लेकर आई थी 200 रुपीज़, ये मैं देना चाहती हूँ उन्हें। तो ये है जज्बा पाकिस्तानियों का, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आ गए हैं अपने किचन में जहाँ पर तैयार हो गया है कूजी अला तिम्मन, तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं क्या ये खूबसूरती है इस डिश की, वाह वाह। अच्छा, इसमें आप दो तरह से सर्व कर सकते हैं, एक राइस के अंदर मैंने किया है और ये बड़े थाल के अंदर सर्व होता है, जो सब साथ खाते हैं, और वो आप अलग से उसको सर्व करें और उसको आप पीटा ब्रेड या नान या रोटी या कोई भी चीज़। और ये सुन्नत है, ये खजूर के साथ रोटी आप इसके साथ सर्व करें, ये कहवा है, इंजीर है और ये जैतून और सारा जबरदस्त। ये तो पूरा ऐसा लगता है कि कोई मदीने में हम कोई खाना खा रहे हैं, उस तरह की चीजें यहाँ पर मिलती है। इसी तरह सर्व करें, मदीना में सब्जियाँ बहुत इस्तेमाल करते हैं, हरी प्याज, इसीलिए तो वहाँ पे इतनी एनर्जी होती है सब में, आप कितने एनर्जेटिक होते हैं। खजूर भी बहुत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं करते, बिल्कुल ठीक है। तो ये जबरदस्त सी डिश तैयार हो गई है, ये आप ट्राई करें घर में और हमें जरूर बताएं कि कैसी लगी आपने ये बनाई, तो आपको मज़ा आया नहीं। रेसिपी कार्ड भी सामने आ रहा है आपका, कुछ देर में आपके पास दोबारा आएंगे खाना घराना के साथ। लेकिन इस दौरान जब मैं किचन में थी, अल्लामा कौकब नूरानी ओकाडवी साहब, आप सबके बेहद पसंदीदा जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे साथ मारूफ सना खान फरहान अली वारिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब आज मुबारक, आपको बहुत जुमा मुबारक। और जब आप आए तो मैंने आपको यही पहली बात कही, और आज अलामा साहब थोड़ी ताखीर से भी इसीलिए आए हैं क्योंकि जुमा था, आज जुमा पढ़ा रहे थे। मेरा जुमा जरा कुछ 2 घंटे तो सिर्फ बयान होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लोग वहाँ आते हैं, उनका रोजा अच्छा गुजर जाता है, मुझे ठीक ठाक लग जाता है। कोई बात नहीं, मुझे भी ठीक ठाक लगता है, लेकिन मुझे पता है कि लोग खुश हो जाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपके लिए जल्दी से मुसाफा नहीं किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अलामा साहब, आज हम और भी बहुत सारे मौजूदात पर बात करेंगे, लेकिन आज जावेद शेख साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये कल उमरे पर जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये तो बड़ी सबकी ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में उमरा नसीब हो, इस पर अगर आप कुछ बात करें। आपको पता था या इन्होंने बताया? मुझे आपको पता है, जब मेरा कोई गेस्ट आता है तो वो क्या कर रहे थे, वो अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, सब इल्म होता है मुझे, मेरी टीम माशाल्लाह ऐसी है। तो इनको पूछना चाहिए, ये अकेले क्यों जा रहे हैं? अकेले नहीं जा रहे, फैमिली के साथ, अहले खाना के साथ जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह ताला। ये रमदान में ख़ास तौर पर उमरा, हदीस शरीफ के मुताबिक के जिसने रमदान में उमरा किया वो ईमान वाला हो, तो हुजूर ने फरमाया उसके लिए वो ऐसा है जैसे उसने मेरे साथ हज किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर ये कि देखें ना, रमदान में नेकियां सवाब बढ़ जाता है, तो मक्का मुकर्रमा की एक नेकी वैसे ही 1,00,000 है, सुभान अल्लाह। और जब रमदान में उसमें इजाफा होगा तो कितनी। लेकिन हम लोग, आप महसूस न कीजिएगा मैं आपसे बात जो करने लगा हूँ, हमने उमरे को ऐसा बना लिया जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा है कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, सब ने नहीं। बहुत अदब की जगह है, बहुत एहतराम की, और इस सआदत को समझना चाहिए। वो तो हुजूर ने फरमा दिया ना, एक आखिर वक्त में उलमा हज करेंगे दिखाने के लिए कि हमने इतने कर लिए, ताजिर करेंगे तिजारत के लिए। आज हम गिनती उसकी शुमार करते हैं, वहाँ की बरकत अगर एक लम्हे को मिल गई, बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हमने सही सजदा वहाँ अदा कर लिया, बात बन गई। तो ऐसा ना हो कि जैसे जाएं वैसे आ जाएं। अल्लाह के लिए ये तो। अल्लाह ताला अदब भी दे, एहसास भी दे कि कहाँ आया हूँ, बिल्कुल ठीक बात, उसकी कितनी मेहरबानी, मुझे उसने वहाँ बुला लिया। अच्छा, वहाँ जाकर इबादत में हम लोग कोशिश करते हैं, मसलन पहले दिन पहुँचा हूँ ना तो बहुत ताज़ा दम, 100 नफल, अगले दिन हिम्मत नहीं है, तो वहाँ इबादत की ज्यादती नहीं करनी, जितनी देर तबीयत अदब से हाजिर है वो बेहतर है। बल्कि कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा आराम करें, उसके बाद एक अच्छी एनर्जी, ज़बरदस्त एनर्जी के साथ आप जाएं। वो तो खैर सबका एक सफ़र मुख्तलिफ होता है, तो वो बहरहाल इनसे यही गुजारिश के मेरे वतन के लिए दुआ ये कीजिएगा कि ये इस्लाम के नाम पे बना है, इसमें इस्लाम की बहारें हमें मिलें, और ये जो महंगाई और ये जितनी बलाएं हैं अल्लाह दूर करे। आमीन हमारे हुक्मरान वाकई इसको रियासत मदीना वाला बनाएं, और नहीं बना सकते तो हम अल्लाह ताला से तौबा करें और खुद अपने अंदर तब्दीली लाएं। बिल्कुल, अवाम तब्दील होगी तो हुक्मरान भी वैसे ही आएंगे। जज्बा खिदमत के हमारे मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि जब ब्रेक हुआ तो वो बच्ची इरज जो वहाँ पर मौजूद थी, भागी भागी आई मेरे पास और मुझे कुछ पैसे दिए, कहा ये आप इनको दे दें। मैंने कहा आप अपने हाथ से इनको दें। ये बताने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि जो नन्हे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं ना, अपनी पॉकेट मनी, अपने पैसे लाकर देते हैं ताकि किसी का भला हो सके। जब उन्हें ये सेंस है तो मेरे पाकिस्तानी जितने बहन भाई हैं उनमें तो फिर बहुत ज़्यादा जज्बा है खिदमत का। तो इसी जज्बा खिदमत में मैं मुंतज़िर हूँ आप लोगों की और मदद की। इस ख़ानदान के लिए आज हमारे साथ ही हैं एक कॉलर, हमारे साथ ज़बरदस्त मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? थोड़ी टीवी की आवाज़ कम कीजिए क्योंकि हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही, टीवी की आवाज़ आ रही है। कौन कहाँ से? चल मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि वो ये कॉलर की बात सुन लें, और ज़ाहिर है इनके लिए ही कॉल आई है तो हम बीच में ही जानेंगे कि क्या कॉल है, किस मकसद के लिए है, कितने चीज़ है वो डोनेट करना चाहते हैं। इस दौरान हम यहाँ पर आ जाते हैं और ये जगह वो है जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन खेलेगा इस ट्रांसमिशन का खाना घराना। आज मुझे चाहिए दो टीम्स और दोनों होनी चाहिए बहनें। तो कौन है यहाँ पर बहनें, हाथ उठाएं। दो बहनें अगर आई हों, आपकी बहन कौन है? वो इतने दूर दूर क्यों बैठे हो भाई? आप दोनों बहनें आ जाएं, दोनों आप दोनों बहनें आप भी आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। आपा क्या है आज इन दो टीम्स का चैलेंज? बहुत आसान है,
एक वो चीज़ है जो हर कोई घर में बना रहा होता है, मगर एक खास टेस्ट होना चाहिए। बेवकूफ तो नहीं ना? नहीं, वो तो सब बनाते हैं घर में। बिल्कुल नहीं, मुझे चाहिए। सलाम वालेकुम, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वालेकुम सलाम, कैसे? दूर से चमक रहा है स्काफ, माशाल्लाह। हाँ जी बता दें। आसान है, एक एक इन्होंने पराठा बनाने, एक एक पराठा वाला और कीमा बनाने ड्राई वाला। ओ जबरदस्त, इट्स सो इजी। जब मैं बहुत अनाबिया को संभाल के कभी थक जाती थी और उबैद ऑफिस से आता है, तो मैं फिर कीमा झटपट बनाती हूँ। सबसे इजी होता है ना, जल्दी बन जाता है, चिकन का कीमा। ठीक है, तो कीमा पराठा। हाँ, एक एक रोटी इन्होंने आटा भी गूंदना है और वो क्रिस्पी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस बनाया और डाल दिया। हाँ, क्रिस्पी पराठा, क्रिस्पी पराठा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, तो घर में वैसे आप खाना बनाती हैं? थोड़ा सा माइक ऊपर। हम दोनों ही बनाते हैं, हम दोनों बहनें मैरिड हैं। अच्छा जी, जी। तो आप लोग 7 साल बड़ी हैं। हैं? जावेश यार, दो दफा आ गए। जावेश शेख साहब के लिए आया था। मेरी शादी को 14 साल हो गए। ओ माशाल्लाह, आपकी फिटनेस का राज क्या है? कीमा पराठा। मेरी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब 10 साल और 14 साल का एक्सपीरियंस मिलकर कैसा कीमा पराठा बनवाता है हमें पता चल जाएगा कि आपके शौहर जो है वो बेचारे आमीन क्या आमीन के इंशाल्लाह हम लोग जीत। अच्छा बनाएंगे जी। आप खाना बनाती हैं जी? और आप शादी हुई हुई आपकी? नहीं नहीं। और आपकी शादी कितना अरसा हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, 14 साल, 10 साल, 8 साल और अनमैरिड। तो हम देखते हैं जनाब कि किसका कीमा पराठा ज्यादा मजे का बनता है। आपका कीमा पराठा बनाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। और मैं आपको बता दूं कि जो टीम आज यहां से जीत कर जाएगी वो क्या लेकर जाएगी? वो लेकर जाएगी गाय वॉशिंग पाउडर की जानिब से एक अदद बाइक, और वेस्ट पॉइंट की जानिब से अप्लायंसेस भी उनके साथ जाएंगे। रनर अप टीम के लिए जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से जाएगी एक अदद फूड फैक्ट्री। तो ये सब तो होगा, अब किसका कीमा पराठा। काश मुझे कीमा पराठा बनाने अच्छा बनाने पर बाइक मिलती तो आज मैं बहुत अच्छा कीमा पराठा बनाती, लेकिन जियो वाले नहीं देते मुझे बाइक। क्या करें, क्या कर सकते हैं। वक्त का मुकाबला सख्त है, रब्बे जिद्दी इल्मा की जाने बढ़ना है। तीनों टीम्स यहां पर आ चुकी हैं। टीम ए टीम लियाकत अली खान में है, दानियाल शफीक और आयशा शफीक दोनों बहन भाई हैं। टीम बी अल्लामा इकबाल टीम में है, अनीका निहाल और नूरुल ऐन दोनों दोस्त हैं, सहेलियां हैं। और टीम सी में मोहम्मद अली जिना टीम में उसामा अशरफ और आसिम बिलाल, ये भी आपस में दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप तीनों तैयार हैं? शुरू करते हैं टीम लियाकत अली खान से। आपके लिए मेरा पहला सवाल, सही जवाब पर प्लस 10 पॉइंट्स होंगे। हम कोशिश करेंगे इस पहले राउंड में ही हमें नतीजा मिल जाए। अगर इस राउंड में टाई हो जाता है तो हम बजर राउंड के सवालात करेंगे। आप लोगों से 4-4 सवालात होंगे और उसके ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, टीम लियाकत अली खान से मेरा पहला सवाल, कुरान करीम की कौन सी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक अहमद बयान किया गया है? सूरह हशर, सूरह यासीन, सूरत सफ या सूरह दुहा? सूरह सफ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपसे मेरा दूसरा सवाल, 5 हिजरी का सबसे अहम गजवा कौन सा था? गजवाए ओहद, 5 हिजरी का गजवाए ओहद, गजवाए खंदक, गजवाए बदर या गजवाए तबूक? गजवाए खंदक। थोड़ा जोर से बोलिए, गजवाए खंदक। गजवाए खंदक जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक बहन ने कोई जवाब नहीं दिया है। आपसे मेरा तीसरा सवाल, मीसा के लखनऊ किस सन में हुआ था? 1912, 1914, 1916 या फिर 1918? 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था मीसाक ए लखनऊ, इसके बारे में हम सब ने पढ़ा है जी। ये 1916 में नहीं हुआ था बल्कि 1912 में हुआ था। आपका तीसरा जवाब गलत। आपसे मेरा आखिरी और चौथा सवाल, सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में, किसी भी वजह से जब सदर पाकिस्तान नहीं होते हैं, गैर मौजूद होते हैं, तो कायम मकाम सदर कौन बनता है? चीफ जस्टिस, वजीर दाखिला, वजीर आला या चेयरमैन सेनेट? चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 में से 3 जवाब टीम लियाकत अली खान ने दुरुस्त दिए हैं। बहन भाई यहां पर आए हैं और 4 में से 3 सही जवाब दे पाए हैं। टीम बी यानी कि टीम अल्लामा इकबाल
दोनों सहेलियां हैं। आपसे मेरा पहला सवाल, सूरह यूसुफ कुरान मजीद के किन दो सिपारों में है? 10 और 11, 12 और 13, 13 और 14 या 14 और 15, कौन से सिपारों में है? 12 और 13 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहली ईद उल फितर, हम जब ये माहे मुबारक गुजारेंगे तो इंशाल्लाह ईद उल फितर होगी। पहली ईद उल फितर किस सन हिजरी में मनाई गई थी? यकुम हिजरी, सन 2 हिजरी, सन 3 हिजरी या सन 6 हिजरी? सन 2 हिजरी। सन 2 हिजरी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कयामे पाकिस्तान के बाद पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के कयाम के बाद कब हुई थी? नवंबर 1947, नवंबर 1948, दिसंबर 1948 या फिर दिसंबर 1947? पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1947। नवंबर 1947 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपसे मेरा आखिरी सवाल, और क्या आप टीम लियाकत अली खान को इसी वक्त हरा सकती हैं या नहीं, ये जवाब डिसाइड करेगा। सिंध मदरसतुल इस्लाम किस सन में कायम हुआ था? 1892, 1891, 1886 या 1885? 1885 जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम अल्लामा इकबाल ने तमाम ही सवालों के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं जबरदस्त तरीके से। टीम मोहम्मद अली जिना, सारा प्रेशर आप पर है। अगर आपने 4 के 4 सवालों के सही जवाब दे दिए तो टीम अल्लामा इकबाल और आपके बीच टाई हो जाएगा, और टाई ब्रेकर बजर राउंड का क्वेश्चन होगा। अगर आपने पहला ही सवाल गलत दे दिया तो टीम अल्लामा इकबाल पहले ही सवाल के बाद जीत जाएगी। तो अब आप किसी भी लम्हे जीत सकते हैं और किसी भी लम्हे टाई हो सकता है। आपसे मेरा पहला सवाल टीम मोहम्मद अली जिना, शद्दात की बनाई हुई खुद साख्ता जन्नत का नाम क्या था? इरम, रिजवान, फिरदौस या फिर मावा? इरम। इरम जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अलावा साहब, ये इसके बारे में बताइएगा जो खुद साख्ता जन्नत बनाई गई थी। असल में उसके पास दौलत बहुत थी और वो ये समझता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं हर चीज़, जिस तरह आज भी लोग कहते हैं दौलत है, सब कुछ खरीद सकते हैं। तो उसने अपने लिए भी दूसरों के लिए सोचा तो शायद कुछ और था, मगर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब तकब्बुर में बंदे के मुंह से बड़े बोल निकलते हैं तो अंजाम बुरा, तो वो अपने पूरे उसके समेत तबाह हो गया। हालांकि उसने अपने तौर पर बहुत कुछ बनाया था, लेकिन ये कि वो खुद भी उसका कोई मज़ा नहीं ले सका। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमें पता चल गया इसका बैकग्राउंड भी। आपसे अगला सवाल टीम मोहम्मद अली जिना, इसमें लोगों को यही सिखाइए कि लोग अमीर बनने की कोशिश ना करें, खुश रहने की कोशिश करें। बिल्कुल, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जब ज़िंदगी में कोई भी मजबूरी आती है, इस वक्त कई ऐसी बीमारियां हैं, चाहे आप दुनिया जहान की दौलत लुटा दें उसका इलाज नहीं मिलता, और फिर एक दुआ से भी आपकी वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो दौलत आपको नहीं बचा सकती ऐसे मामलात में। आपसे दूसरा सवाल टीम मोहम्मद अली जिना, अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत सौले अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ भेजा गया था? कौम आद, कौम बनी इसराइल, कौम समूद या फिर कुरैश? कौम समूद जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दो सवालों का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, दो सवालों के जवाब बाकी हैं। और आपसे मेरा तीसरा सवाल है टीम सी, ये मशहूर मुसलमान रियाजीदान अल-ख्वाज़मी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम, अहमद इब्न रुश्द, मोहम्मद बिन मूसा, बू अली सीना या मोहम्मद बिन इस्माइल? अहमद इब्न रुश्द, मोहम्मद बिन मूसा, बू अली सीना या फिर मोहम्मद बिन इस्माइल? मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वाज़मी। मोहम्मद बिन मूसा, पक्की बात है, ऑप्शन नहीं होगा फिर। ये जवाब गलत हुआ, टीम अल्लामा इकबाल झट से जीत जाएगी, लॉक कर ले। मोहम्मद बिन मूसा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
अब अगर टीम मोहम्मद अली जिना ने इस आखिरी सवाल का सही जवाब दे दिया तो टीम अल्लामा इकबाल टीम मोहम्मद अली जिना में टाई हो जाएगा। बहन भाई की जोड़ी रह गई पीछे। अब दो दोस्तों की टीम के दरमियान है ये मुकाबला। अगर इस सवाल का दिया सही जवाब तो टाई ब्रेकर एक बजर राउंड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप तैयार हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। कुरान करीम की किस सूरत में ये वाक़या बयान किया गया है? सूरतुस्सफ़ात, सूरतुस्साफ़ात, सूरह मलिक, सूरह रहमान या सूरह नमल? सूरतुस्साफ़ात में। सूरतुस्साफ़ात जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरतुस्साफ़ात में ये जो वाक़या बयान किया गया है अलामा साहब बहुत ही बड़ा वाक़या है, बड़ा इसकी नॉलेज सबको होती है। इस वाक़े के बारे में अगर आप कुछ बताएं मुख्तसरन। आप इस्माईल अलैहिस्सलाम का? जी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है। 90 बरस की उम्र हो गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। आम तौर पर इस उम्र में ना उम्मीद होते हैं, दुआ मांग के बेटा लिया। अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, हुक्म हुआ इसको जंगल में छोड़ाओ, उसको और उसकी माँ को जंगल में छोड़ आए। वो आज के ज़माने की औरत नहीं थी वरना पता नहीं क्या होता। हज़रत हाजरा पूछ रही हैं हमें यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हैं, क्या अल्लाह का हुक्म है? फरमाया हाँ, कब हमें ज़ाया नहीं करेगा। वहाँ रहते हैं, 6 बरस की या 7 बरस की उम्र हज़रत इस्माईल चलने लगते हैं। हज़रत इब्राहीम ख्वाब देखते हैं कि वो उस बेटे को ज़बा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। सुबह बेटे को सुना रहे हैं, या बुनैया इन्नी आराफिल मनाम, मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़बा करता हूँ। फंजुर माजा तराब, तू देख तेरी राय क्या है। तो बेटे का जवाब तमाम बेटों को याद रखना चाहिए। वो कहते हैं अब्बा जान कर दीजिए जो आपको हुक्म हुआ। अल्लाह अकबर। एक तो पुकारने का मसला हमारे यहाँ, हमने इस्लामी लफ्ज़ छोड़ दिए। बाप टेडी हो गया, माँ लेडी हो गई, बच्चे टेडी हो गए। हमने वो अच्छा, या तो पापा कह लेते हैं और फिर साथ में नाश्ते में चाय में भिगो के खा भी जाते हैं। पापा तो हमने इस्लामी आदाब भी छोड़ दी है। तो उन्होंने अदब सिखाया और फिर बाप ज़बा करने बेटा ज़बा होने को तैयार। बहुत बड़ी बात। अच्छा, अब आप जब ये वाक़या सुना रहे थे इस वाक़े की बरकत से किसी और के लिए एक अच्छी खबर आई है। वो अच्छी खबर ये है कि मैंने टीम लियाकत अली खान आपसे एक सवाल पूछा था, मीसा के लखनऊ किस सन में हुआ, आपने क्या जवाब दिया था? 1916। आपको पता है कि ये जवाब गलत है या सही है? सही है। ये जवाब गलत है या सही है? सही है। सही है, ये जवाब वाकई सही है। मेरे पास ये जवाब गलत लिखा हुआ था और मैं इसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ। इसलिए इस वक्त जो तीनों टीम्स हैं वो बजर राउंड में हो गई है दाखिल। कैसा ये होता है नेक लोगों के साथ, समझ आई बात? तो जो पीछे वाले लोग हैं ना वो भी कह रहे हैं गलत हो गया, लेकिन आप देखें कि नाइंसाफ़ी होने नहीं दी, मुझे करेक्ट करवाया, कहा नहीं जी ये हमसे हुई गलती, टाइपिंग की मिस्टेक उर्दू में और इंग्लिश में लिखने की वजह से। तो आप तीनों टीम्स बजर बजा के दिखाइए कि तैयार है आपके बजर्स या नहीं। ज़बरदस्त, बिल्कुल तैयार हैं, इतने तैयार हैं कि टीम अल्लामा इकबाल का कुछ देर के लिए नाम गायब हो गया था। एक सवाल और बहुत कम वक्त होगा आपके पास, अगर आप लोग इन सवालों के जवाब नहीं दे सके मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, इसलिए बजर पर हाथ तैयार रखिएगा, मैं जल्दी जल्दी सवाल करूंगी, वक्त नहीं देना इस जवाब के लिए। पहला सवाल बजर राउंड के लिए, तैयार रहिए। जिसने भी जवाब दिया वो आज क्या लेकर जाएगा ये मैं पहले से ढूंढ के निकाल लेती हूँ, ठीक है, ताकि कोई मसला ही ना रहे। नेगेटिव मार्किंग होगी अगर गलत जवाब दिया? हाँ, कौन बातें कर रही है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी अगर गलत जवाब दिया? नेगेटिव मार्किंग नहीं, बाहर चले जाएंगे आप, ख़त्म हो गया ना, जिसने गलत जवाब दे दिया फिर तो दो टीम्स बच जाएंगी, आप गलत जवाब नहीं दे सकते, आपने जवाब देना है तो सही देना है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कौन से चचाजाद भाई ने जंगे मौता में शहादत पाई थी? टीम लियाकत अली खान।
हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इस तरह से वो टीम जो हमें लगा था कि इस कॉम्पिटिशन से बाहर चली गई है, ये टीम दाखिल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह क्वार्टर फाइनल में। टीम लियाकत अली खान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रब इज़्ज़त इल्मा की हमारी जो विनर टीम है वेस्ट पॉइंट की जानिब से, आज भी आप खाली हाथ नहीं जा रहे। वैसे तो आप क्या पता गाड़ी ही लेकर चले जाएं। वैसे ये ऐसी जब कोई टीम वापस आती है ना, ये वाकई जीत के चली जाती है। तो अल्लाह खैर करे, ये बहन भाई क्या 27 रमज़ान को गाड़ी में बैठ कर जाएँगे अपने घर या नहीं, ये हो जाएगा डिसाइड। लेकिन आप सबको भी बहुत मुबारक हो। आप जो रनर अप टीम्स हैं वेस्ट पॉइंट की जानिब से, आपके लिए भी अप्लाइंसेज जा रहे हैं। दोनों को अप्लाइंसेज दे दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो इन तमाम टीम्स को। तो हमारी जो क्वालिफाइड टीम है, टीम लियाकत अली खान, दोनों बहन भाई ये आज का ये राउंड जीत गए हैं और क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गए हैं। अब क्वार्टर फाइनल में होगा मुकाबला, मजीद टीम्स जो यहां से जाएंगी उनके दरमियान, उसमें से टीम्स निकल के जाएंगी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में जो टीम्स जीतेंगी, जो खेलेंगी, वो फाइनल में जाकर, फाइनल राउंड होगा 27 रमज़ान को। उस दिन बड़ा सख्त मुकाबला होगा, बहुत ही मुश्किल सवालात होंगे, और जो भी टीम जीत जाएगी वो यहाँ से लेकर जाएगी एक अदद गाड़ी इंशाल्लाह ताला। हम जनाब जल्दी से आ जाते हैं अब इस जानिब। यहाँ पर बैठे हैं हमारे रोज़ा कुशाई के बच्चे, और जितने भी रोज़ा कुशाई के बच्चे हैं, दो से तो मैंने आपकी मुलाकात करवा दी थी। एक बच्ची जिसने मुझे कहा था कि आप हैं बहुत प्यारी लेकिन मैं ये नहीं दूंगी आपको अपना जो ताज है, वो भी यहाँ पर बैठी हैं। सबके लिए जा रहा है गोल्ड कॉइन गनी बिल्डर्स की जानिब से, अम्मी को नहीं देना, ये अपने पास रख लेना। साथ में यूनिका चिप्स की जानिब से स्कूल बैग्स भी जा रहे हैं। अब जो मैं बात बताऊंगी ना, तो जितनी खवातीन ऑडियंस में बैठी हैं वो फिर तालियां बजाना शुरू हो जाएंगी। वो बात ये है कि बच्चों के साथ तो तहाइफ जा रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं खवातीन खास तौर पर, उनके साथ भी हिमानी हील्स और विनक्लॉर के गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू जियो, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि ये गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे हैं। यहाँ हमारे बच्चे मन के सच्चे बैठे हैं, जिन्होंने बड़े ख़तरनाक आज सवालात किए, उनका भी दस्तरखान सज चुका है। और अगर हम इस दस्तरखान पर आ जाएं तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, वो ये कि करशी जामे शीरी का कार्ट यहाँ पर सज चुका है। ये करशी जामे शीरी का जो कार्ट है, ये देखिए जनाब, जहाँ पर फ्रेश करशी जामे शीरी बन रहा है, 100% जो है खालिस अरकियात से इसको तैयार किया जाता है। और आप ये देखिए कि कितने ज़बरदस्त ग्लास में इसको सर्व किया जा रहा है। ये देखें ज़बरदस्त करशी जामे शीरी, कोई पानी पी के नहीं मैं दिखा सकती ना, ये देखें किस तरह अलामत साहब, अगर मैं पी लेती अभी तो, वैसे ये तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से दावत होती है अगर कोई गलती से कुछ पी ले, लेकिन मुझे पता है यहाँ कोई ना कोई ये दावत चाहेगा कि ये नहीं मिले मुझे और बता देगा। तो ये करशी जामे शीरी यहाँ पर है, और जो हमारा दस्तरखान है माशाल्लाह उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर है अफ्तार के दस्तरखान पर डालडा, सेवन अप और एक्वाफीना। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, कौन सी बहनें जीती हैं आपा? अभी तक जो प्रेजेंटेशन है और जो रेसिपी है उसके हिसाब से कौन आगे है? मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी, इतना सजा लिया ऊपर से तो मैं क्या देखूँ। अच्छा ये थोड़ा सा ये आप लोगों ने बनाया है। हाँ। दही किसने डाली अंदर? आपने डाली है दही? थोड़ा सा नहीं, दही तो ज़्यादा डालना चाहिए ना सर। अच्छा आपने टमाटर डाला, मैं तो भाई टमाटर नहीं डालती कीमे में, मैं सिर्फ दही डालती हूँ। लेकिन आपको रेसिपी के हिसाब से कीमे में टमाटर डालते हैं? डालते हैं। अच्छा मैं नहीं डालती। अच्छा पराठों का बताएं ज़रा कि किसके बेहतर हैं पराठे? दोनों की ख़ास बात ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला और अच्छे इसमें। वैसे आप देखने में अगर आप बताएं ना तो मुझे ये पराठे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसमें बर्फियाँ ज़्यादा आ रही हैं। हाँ ना, ज़बरदस्त ये पराठे तो ज़्यादा अच्छे। अब कीमा मैं और कल्याणवी साहब, हम दोनों अफ्तार में हम ही दो लोग हैं जो ये टेस्ट करते हैं खाना, तो हम बताएंगे कि कौन जीता है, और जो भी जीतेगा उसके गिफ्ट चले मैं आपको जब दोबारा बताऊंगी ना तो वहाँ पे बताऊंगी। अब देखते हैं कौन जीतता है। तो जनाब ये हो रहा है आज हमारे इस घर में जो अफ्तार का दस्तरखान सजा है उसमें। और क्या हमारे पास टाइम है कि हम अभी दुआ ले सकें? तारिक भाई, तारिक भाई ने कहा है, हमारे बड़े अच्छे तारिक भाई, उन्होंने कहा है हमारे पास है वक्त कि आप दुआ करवा दें। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यू या कय्यूम, या अल्लाह तेरे करम से आज रमदान का पहला जुम्मा अदा किया,
इलाह العالمین ہمارے یہ روزے ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول فرما الہی اپنے پیاروں کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما الہی بیماروں کو شفا عطا فرما الہی جو تنگ دست ہیں محتاج ہیں پریشان ہیں غیب کے خزانوں سے انہیں کشادہ رزق عطا فرما الہی اسلام مسلمانوں اور پاکستان کے دشمنوں کو ناکام بنا دے ملا ہی میرے وطن کو بہت زیادہ قوت اور استحکام عطا فرما الہ العالمین جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی جائز مرادیں پوری فرما ہمارے وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے یا اللہ کریم ان کی مغفرت فرما الہی ہمیں صحیح عبادت کرنے صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین آمین آمین خوبصورت دعا علامہ صاحب نے کروائی آمین سم آمین یہ وہ وقت ہوتا ہے روزے دار جب اس وقت بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے اللہ ہمارے اس روزے کو قبول فرمائے اور جیسے کہ اس وقت کی یہ ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا کچن کا سیگمنٹ ہوتا ہے کھانا گھرانا ہم اسی وقت ٹیسٹ کرتے ہیں میں نے بھی کلیانوی صاحب نے بھی عمران بھائی نے بھی ہم سب نے ہی کھایا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ٹیم ہے جن میں سے ایک بہن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی ایسے ہی ہے نا اسی طرح میں بتا سکتی ہوں ہانیہ ہیں اس میں ان کا قیمہ بھی اور پراٹھا بھی دونوں ہی بہت زبردست تھے تو وہ ٹیم آج جیت گئی ہے ان کا قیمہ تو انہیں ان کے لیے جناب گائے واشنگ پاؤڈر کی جانب سے مل رہی ہے انہیں ایک بائک اور ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے اپلائنسز بھی جو رنر اپ ٹیم ہے مدیحا کی انہیں جی این ای گابا نیشنل کی جانب سے فوڈ فیکٹری مل رہی ہے اور جاتے جاتے ایک بہت اہم بات ہے آپ سب کے لیے بھی اور مجھے ابھی بتائی گئی ہے تو میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کروں جو آج جذبہ خدمت میں ہمارے مہمان تھے اس کے لیے مجھے ایک میرے بہت قریبی جو ساتھی انہوں نے بتایا کہ جو پروستھیٹک لمبس ہیں ان کے یعنی کہ ان کے لیے جو ان کی پاؤں لگائے جا سکتے ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ تک کا اس کا خرچہ آئے گا اور 2 لاکھ تک پیسے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے آپ سے دوبارہ انشاءاللہ سحر نشریات میں 3 بجے ملاقات ہوگی اللہ حافظ